जो हमारे एक नेशनल इंश्योरेंस में रमेश जी और एक चीफ मैनेजर भी हमारे मेरठ के, तो हम मिलके काम कर रहे हैं और आगे इस कारवा को बढ़ाएंगे। जी बिल्कुल स्वागत है सर, बिल्कुल। और मैंने ये ये सर अपना सर नाम और अपना जो है मोबाइल नंबर है वो आप इसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर, और डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन अब क्या है कि हमारा आज के जो कॉन्सेप्ट का जो है वो टाइम हो गया है सर, वैसे भी हम राइट 9 मिनट सर ऊपर निकल चुके हैं। तो राइट मैं सर सुधीर राज सिंह जी से निवेदन करूंगा, दूसरे बाकी राउंड में और ले अन्य लेना साथियों का इनको। परिचय सर थैंक्स सर, राज रिगार्ड्स, थैंक्स। हाँ बाकी और साथियों का जो परिचय है वो इसके बाद में लेंगे। मैं सबसे पहले सुधीर राज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वी द पीपल के कॉन्सेप्ट के बारे में विस्तार के साथ आप अपनी बात रखें सर। रण सिंह सर अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना, रमेश जी से बात होती रहती है। थैंक यू। जी कभी कभी मैं सोचता हूं कि सारी दुनिया, खासतौर से भारत के जो लोग हैं, वो सभी इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। एक सत्य कथा जो घट गई, नाम तो नहीं बता सकते क्योंकि अड़ोस पड़ोस का मामला है। एक बूढ़ी औरत रहती है घर में अकेली, नौकरी की उसने, उसके पति की नौकरी उसको मिली और उसने पूरी जिंदगी पैसा कमाया। कुछ उसने, उसको जो उसकी शादी में मिला होगा, कुछ सोना चांदी और कुछ उसने जो कमाया जीवन में, तो काफी उसने जितनी क्षमता थी अपनी नौ नौकरी में और जो वो कमा सकी, बचा सकी, तो पैसा भी कमाया और उसने बड़ा सारा सोना चांदी भी इकट्ठा किया। उसका एक लड़का, उसकी बहू और उसके बच्चे वो दूर चले गए, क्योंकि जो बूढ़ी महिला थी उसकी अपने बेटे से बनी नहीं या उसकी बहू से बनी नहीं, तो वो पास में दूर किराए पे जाके रहने लगे। उस बूढ़ी के आज 2-3 दिन पहले कुछ दिल में दर्द वर्द हुआ, वो हॉस्पिटलाइज हो गई और दिन दहाड़े उसके घर में चोरी हो गई। उसका जो जीवन भर का और जो उसके सास का, ससुर का जो उसने दिया होगा सोना चांदी, वो सब ले गए और सारा जितना जीवन का उसका पैसा था वो भी चली गई और वो हॉस्पिटलाइज भी है। तो जीवन का ये फलसफा और जीवन का ये सिद्धांत है, ये बड़ा कॉमन सा सिद्धांत है कि अगर उसके बच्चे और वो, उसके लड़के, उसकी बहू और वो सब एक ही घर में रहते तो उसकी चोरी ना होती, हो सकता है दिल की बीमारी भी ना होती। क्योंकि तो दिल, बच्चे जब दूर जाते हैं तो दिल में दर्द होता है, तो परेशानी आती है शरीर में। तो हम बार बार कहते हैं इकट्ठा रहो, इकट्ठा रहो, इकट्ठा रहो, और बड़े बुद्धिजीवी और बड़े कलाकार लोग, बड़े जानकार, बड़े डॉक्टर, बड़े पीएचडी, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनको आप हमेशा सम्मान देते हैं, वो पूछते हैं जी उद्देश्य क्या है, इकट्ठे होने का उद्देश्य क्या है। तो पड़ोस में जो बूढ़ी का सारा सामान चला गया, उससे उद्देश्य समझ में आ जाना चाहिए कि उसका उद्देश्य इकट्ठे होने का क्या था। अगर उसका बेटा, उसकी बेटे की बहू और वो बच्चे अगर उसके साथ रहते तो ना वो शायद बीमार होती और उसका जिंदगी भर का पैसा बच जाता, उसका बसता, उसके बच्चों का बसता, तो उसके पोतों का बसता, पोती का बसता, तो परिवार का बसता। तो इतना सा तो फलसफा, इतनी सी तो बात है कि अगर आप इकट्ठे रहोगे तो आपका सब कुछ बच जाएगा, आपके बच्चों का काम आएगा, उनके बच्चों का काम आएगा, और आप लड़ रहे हो और मर रहे हो उसी के लिए, लड़ रहे हो मर रहे हो। अब शायद उस बूढ़ी को समझ में आए और हो सकता है कि उसे ज्यादा घात लगे तो नुकसान ज्यादा हो, तो दिल की बीमारी या कुछ और भी हो सकता है। मतलब इकट्ठे होने का फायदा बताने के लिए लोग उद्देश्य पूछते हैं, उनके दिमाग में जो सड़ा गला भरा हुआ है कि लोग इकट्ठे होते हैं तो कहाँ जाते हैं, राजनीति में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, तो सबका एक ही तरफ दिमाग चलता है राजनीति, किसी का इस तरफ दिमाग नहीं चलता कि इकट्ठे होने से परिवार भी बचते हैं, इकट्ठे होने से हम सब बच जाते हैं, इकट्ठे होने से। लालचंद रैगड़ जी यहाँ जो टीचर हैं बोल रहे थे, कह रहे थे जितने भी संगठन हैं, जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, मैं सब में काम करता हूँ, सब में जाता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो सब में काम कर रहे हैं, उनके बड़े दर्द हैं, वो सब में काम करें, सब में जाते हैं, जहां भी डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो दिखाई देता है सब में जाते हैं। बड़ा दर्द है ऐसे लोगों को, कुछ दिन पहले तक हम भी ऐसे थे। और फिर वो कहते हैं कि मैं बड़ा दुखी भी हूं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का सपना पूरा नहीं हो रहा। तो लालचंद रैगड़ जी जैसे जो हमारे भाई हैं, वो समस्या भी खुद बता रहे हैं और समाधान भी खुद बता रहे हैं।
वो समस्या बता रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं और वो प्रयास कर रहे हैं, सब में जा रहे हैं, मगर वो बीमारी नहीं पहचान रहे। वो ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे संगठन हैं, इतने सारे संगठन के होते हुए भी हमारे सारे अधिकार चले गए, सब कुछ चला गया, मैं बड़ा परेशान हूं। और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं सब में जाता हूं। और ऐसे हमारे लाखों लोग हैं जो सब में जा रहे हैं और बहुत परेशान है और उनको समस्या का समाधान नहीं दिखाई दे रहा। उनको लगता है कि ज्यादा संगठन होने से और सारे संगठनों में जाने से समस्या का समाधान होना चाहिए। मतलब वो ये मानते हैं कि अगर कार बहुत ज्यादा हो और सब तरह की कार हो और हम सब तरह की कार में बैठ जाएं तो हम पहुंच जाएंगे हमें जहां पहुंचना है। भाई कैसे पहुंच जाओगे? आपने तो लाखों कार इकट्ठी कर दी है, उन्होंने सारा जगह घेर ली है, सारी सड़क घेर ली है। अब वो कार आपस में टकरा रही हैं और आप सब में बैठना चाहते हो, जो पॉसिबल नहीं है। और वो कार इतनी ज्यादा है कि सड़क ही खत्म हो गई, तो वो डेस्टिनेशन पे पहुंचे कैसे, कैसे ना पहुंचे? तो लालचंद रायगढ़ जी जैसे जो लोग हैं उनको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर सबको मदद करोगे और सब संगठनों को संगठन मानोगे तो सारे संगठन कहेंगे जब हमको नेता मानते हो तो हम ही आगे बढ़ेंगे, बाकी नहीं बढ़ेंगे। और वो आपस में कंपटीशन करेंगे, आपस में टकराएंगे, उनकी कार आपस में टकराएंगी, कोई उल्टी कोई सीधी, कोई टेढ़ी कोई मेढ़ी, कोई ट्रैक्टर भी लेके आएगा, कोई स्कूटर लेके आएगा, कोई टेम्पो लेके आएगा, तो वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेंगी, वो आपस में लड़ती रहेंगी, मरती रहेंगी। इसको इस तरह से समझें लालचंद रायगढ़ साहब और बाकी साथी जो भी समझते हैं कि राजनीति के हजारों संगठन हैं और आप सब में जाते हैं और आपका जो वोट है, अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं तो 16% है, अगर आप समण समाज मानते हैं अपने आप को, SC ST OBC मानते हैं, तो वो 90% है, ज़्यादा भी हो सकता है। मगर आपके जो संगठन है वो लाखों की संख्या में हैं और सबके पास में 10-10, 20-20, 30-30 वोट हैं, तो आप कैसे जीतोगे? आपने बहुत सारे मत बना रखे हैं, बहुत सारे पंथ बना रखे हैं, आप सारे गुरुओं को मानते हो, अलग अलग लोग सारे गुरुओं में जा रहे हैं, जिनके धम के मत हैं, धम के लोग हैं, जिनके डेरे हैं, जिनके बाबा हैं, जिनके साधु हैं, जिनके संत हैं, और वो कभी नहीं कहते कि हम एक साथ बैठेंगे, मगर आप सब में जा रहे हो, यानी कि आपके भाई सब में जा रहे हैं। तो किसी भी आदमी का कहीं पहुंचना नामुमकिन है, इस जीवन में तो नहीं पहुंच सकते। आप ऐसे मान के चलें कि जैसे सरकारी कर्मचारियों के हजारों संगठन हैं और सरकारी कर्मचारियों की डिमांड एक है कि हमारा आरक्षण लागू होना चाहिए, या जो प्राइवेटाइजेशन है वो रुकना चाहिए, या जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बढ़ना चाहिए, और भी कंपनी आनी चाहिए जो गवर्नमेंट सेक्टर की हैं और वो बिकने नहीं चाहिए। और जब हजारों लाखों संगठन सरकारी कर्मचारियों के हैं और सब अलग अलग डिमांड कर रहे हैं और डिमांड एक ही है, और आप हजारों लाखों संगठनों को समर्थन भी कर रहे हैं, तो आपकी बात तो कोई गवर्नमेंट मानने वाली है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि आप हजारों लाखों संगठन में और सब अलग अलग हैं, और बेशक आप सबको सपोर्ट करते हैं मगर वो एक नहीं है, इसलिए उनकी बात नहीं मानते। आपके जितने भी आर्थिक जो लोग हैं, जो पैसे की बात करते हैं, बैंक की करते हैं, फाइनेंस की करते हैं, या कंपनी खोलने करते हैं, या स्कूल खोलने करते हैं, या कोई हॉस्पिटल खोलने की बात करते हैं, वो सब अलग अलग हैं, इसलिए आपका पैसा इकट्ठा नहीं होगा। जब इकट्ठा नहीं होगा तो आप लड़ नहीं सकते, आपके पैसे पे घुमाव नहीं आएगा, आप काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे चीजों से बिखर जाएंगे। आपके लाखों की संख्या में बुद्ध विहार हैं, कबीर भवन हैं, गार्डी भवन हैं, दुर्बलनाथ भवन हैं, राम बाबा के भवन हैं, जितने भी आपके संत हैं उन सबके भवन चल रहे हैं, अम्बेडकर भवन है, और वो सारे एक साथ नहीं है तो आपके कोई भवन नहीं है। आप अपने शहर के भवन में जा सकते हो तो दूसरे शहर के भवन में जा भी नहीं सकते आप, तो आपके लिए वो माइक खोलिए सुधीर जी, माइक। यह सभी समस्या जानते हैं, इसलिए समस्या को बार 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 बता के, कई बार मुझे लगता है कि समस्या तो सारा सबको पता है, बस उनको ये पता करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है कि आपको इन सभी लोगों को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा, आप इनको सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इनको सपोर्ट करते हैं तो ये इकट्ठे नहीं होंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि 50 लोग हमें सपोर्ट करते हैं, इनका काम 50 में चल जाता है,
ये जितने भी लोग हैं जो छोटे छोटे ग्रुप चला रहे हैं और उसको संगठन कहते हैं, छोटी छोटी संस्था चला रहे हैं और उसको वो संस्था कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, संगठन कहते हैं। ऐसे की संख्या 31 लाख है, जिसमें 29 लाख लगभग एक्टिवेट है जो चल रहे हैं, और वो हमारे समाज के ज्यादा है। तो इन 29 लाख में आप किसको कितना कितना पैसा दे पाओगे, किसको कितना कितना टाइम दे पाओगे, और वो तुम्हारे लिए क्या क्या करेंगे? वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती, समाज में उनका स्थान नहीं है, और संविधान में उनका बल नहीं है। यानी जो जनसंख्या बल है संविधान के हिसाब से पूरा है नहीं। जब संविधान के हिसाब से जनसंख्या बल नहीं है और गवर्नमेंट 29 लाख अलग अलग संगठनों की बात सुने क्यों, तो आपस में लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो आप बेशक कितना भी कहते रहे हैं कि हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी बात नहीं बनती, आपकी जीवन भर बात बनेगी नहीं। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, तो क्या हम वी द पीपल को सपोर्ट करें? अब वी द पीपल को बिल्कुल सपोर्ट मत करो। अब वी द पीपल के जो आइडियोलॉजी है इस पर चिंतन करो, इसको मदन करो, क्योंकि ये बुद्ध की आइडियोलॉजी है, ये ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी है, ये बुद्ध से पहले जो वज्जी लोग थे और जो शाक्य संघ के लोग थे, गणराज्य के लोग थे, यानी बुद्ध के पिताजी, उनके दादा सिंहनु, उनकी आइडियोलॉजी है। ये भारत के गणराज्य की है, ये गॉडवाना लैंड की आइडियोलॉजी है। तो आप इस पर सोचो कि इस आइडियोलॉजी को, इस विचार को कहां से चला है ये और कहां पहुंचा दिया, और बाबा साहब ने फिर उखाड़ के निकाल के झाड़ के पहुंच के आपको दे दिया, जो हमारे महापुरुषों का है। कोई व्यक्ति ये कहे कि जी आप तो बुद्ध का बोल रहे, हम तो बुद्ध के आदमी नहीं। अब बुद्ध को उठा के साइड में रख दो और बुद्ध की मूर्ति को कपड़े से ढक के बांध के ऊपर टांड पर चढ़ा दो, बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर उस बात को मान लो जो बुद्ध ने की थी, क्योंकि बुद्ध ने बचपन में देखा कि उसके यहाँ गणराज्य संघ है, और गणराज्य संघ यानी संघ जो है, सम्मिलित लोगों का जो विचार है वो बहुत ऊंचा है, और उसमें वो अंदर आते थे। यानी सिद्धार्थ गौतम को अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर की किताब भगवान बुद्ध और उनका धम्म का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ गौतम को संघ के आगे पेश होना पड़ा, और संघ ने एक निर्णय दिया जो सिद्धार्थ गौतम ने नहीं माना। वो नियम ये था कि जो वहां लड़ाई होनी थी पानी के पीछे कोलियों में और शाक्यों में, उसमें ये बात थी कि कोली और जो शाक्य थे वो रोहिणी जो रिवर थी उसका पानी ले जाते थे, उसका झगड़ा होता था हर साल, क्योंकि पानी तब जमीन से नहीं आता था, बहता हुआ पानी आता था, और चावल दोनों को यानी दही जो है, धान है, दोनों को बोने पड़ते थे, और धान बोने के लिए बहुत पानी चाहिए, तो पानी में कभी कोली ले जाते थे, कभी शाक्य ले जाते थे, बंटवारा सही नहीं होता था। तो उनमें झगड़ा हुआ, झगड़े हुए तो उनमें डंडे बाहर निकल आए, तो उसमें जो शाक्य संघ था उसने निर्णय किया कि हम युद्ध करके जीतेंगे। सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध के लिए मना कर दिया, क्योंकि संघ ने नियम पास कर दिया कि युद्ध होगा और सिद्धार्थ गौतम ने मना कर दिया, तो संघ के नियम से सिद्धार्थ गौतम या सिद्धार्थ गौतम के जो फादर हैं जिनको शुद्धोधन बोलते हैं, या उनके दादा थे जो सिंहनु थे, वो सिंह जो शाक्य संघ है, जो संघ है उससे बड़े नहीं है, बेशक वो सबसे बड़े जमींदार हैं, तो संघ का नियम मानना पड़ेगा, और जो नियम नहीं मानेगा उसका दंड भी था, तो वो दंड दिए उस किताब के अनुसार लिखा हुआ है। तो दंड जो तीन तरह का दंड था, उसमें एक तरह का दंड जो माना, ये माना कि भाई मैं यहाँ से चला जाता हूँ बाहर, और मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ तो मैं यहाँ रहूंगा नहीं। उनको एक तरह से देश निकाला या शाक्य संघ का निकाला दिया गया और वो चले गए। ये बात इसलिए यहाँ बताई जा रही है कि आप जो वो शाक्य संघ के जो नियम थे, जो गणराज्य के नियम थे, वो इतने मजबूत थे कि उस पर बड़ा कोई नहीं था, संघ ही संघ का मालिक होता था, और वो सारे नियम सारी चीजें संघ की संविधान के अंदर है, क्योंकि संविधान संविधान का मालिक है, संविधान का कोई मालिक नहीं। भारत गणराज्य संघ का मालिक भारत गणराज्य संघ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं होता, या कैबिनेट नहीं होती, या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो नहीं होते, भारत गणराज्य संघ होता है, यानी वी द पीपल होते हैं, हम भारत के लोग होते हैं। तो आप वी द पीपल की बात को मत मानिए, क्योंकि आपके जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है अभी तक वो ये है कि जैसे बाकी संगठन होते हैं ऐसा ही ये वी द पीपल है, इसमें क्या अंतर है? हालांकि हम बार बार बताते हैं कि वी द पीपल, हम भारत के लोग, संघ है, और संघ और संगठन में अंतर होता है। दरअसल संघ जो होता है वो बाबा साहब ने बनाया था, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइज बोलते हैं। संघ का मतलब है कि पूरे भारत में और भारत के बाहर जो भी व्यक्ति SC ST OBC है, यानी समण है, पुरानी भाषा में समण बोलते थे, वो इसका मेंबर है। जो ज्यादा काम करते हैं, जैसे मैं हूँ, या दशरथ हिनुनिया जी हैं, या भागचंद पिंगलोजिया जी हैं, या छोटनलाल जाटव जी हैं,
ऐसे जो लोग काम कर रहे हैं, या अभिषेक एडवोकेट अभिषेक राज जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, ऐसे लोग जो ज़्यादा काम करते हैं और जो उनको हम एक तरह से एक्टिव मेंबर मान देते हैं, और जो लोग नहीं काम कर रहे हैं वो मेंबर तो हैं और मेंबर रहेंगे, चाहे वो कुछ भी हैं, चाहे किसी भी पार्टी में है, किसी भी धर्म में है, कहीं भी है, चाहे वो माँ के पेट में है, चाहे माँ के पेट से बाहर हैं, वो इसके मेंबर हैं और वो आजीवन मेंबर हैं, क्योंकि इसका कोई शुल्क नहीं है। वी द पीपल किसी से कोई पैसा नहीं लेता और ना ही लेगा, पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता। इसके एक्टिव मेंबर इसका खर्चा चला लेते हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा होता है, ज़्यादा खर्च नहीं करते। ये तो रोटी भी अपने घर से ला के खाते, पानी भी अपने घर से ला ला के पीते, ये तो रोटी भी नहीं मांगते किसी से, जैसा कि समण के संघ का नियम था पहले, वो भी अपनी रोटी लेके आते थे, वो किसी से नहीं मांगते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, क्योंकि जिसकी रोटी खाओगे उसका नियम मानना पड़ेगा, जो आपको बुलाएगा, जो आपको खाएगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते गलत बात का। आप चुपचाप तो रहोगे मगर विरोध नहीं कर सकते, तो हमें विरोध करना है गलत बात का, इसलिए हम रोटी भी अपनी लेके जाते हैं, खर्चा भी अपना करते हैं, तो हमें जरूरत नहीं हाथ फैलाने की, तो हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, वी द पीपल है। तो ये कैसे अलग है? ये ऐसे अलग है कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी इसका सर्वे सर्वा नहीं बनेगा, क्योंकि संघ का सर्वे सर्वा बुद्ध भी नहीं है, संघ का सर्वे सर्वा सुद्धोधन भी नहीं है, जो बुद्ध के फादर है वो भी नहीं है। संघ तो हर साल कुछ ना किसी को चुनता है, जैसे संविधान के अंदर चुनते हैं 5 साल में, और वो चुनता भी है तो वो संघ के अधीन है, यानी कि बहुमत से जो नियम पास होगा वो सभी मानना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति कभी बनेगा नहीं, जीवन में नहीं बनेगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ सर्वे सर्वा बनेगा संघ के नियम के विरुद्ध, तो संघ खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर यहाँ पैसा कलेक्ट करेगा, पैसा इकट्ठा करेगा, तो संघ के नियम के विरुद्ध संघ खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं संघ की आवश्यकता क्या है? संघ की आवश्यकता इसलिए है, तो पहले तो ये समझें कि संघ में और संगठन में अंतर क्या है। संगठन जितने भी बनाए जाते हैं उनका एक मालिक होता है, ये मनुस्मृति पर आधारित होते हैं, क्योंकि मनुस्मृति में जो सिद्धांत दिए हैं वो राजा रानी के दिए हैं, वो राज्य का मालिक जो होता है वो राजा होता है, और जो राजकुमार और राजकुमारी होते हैं वो उसके आने वाले मालिक होते हैं, यानी उनको पहले से पता है कि ये राजा है, और जो बूढ़ा राजा है बड़ा है वो महाराजा है, और जो छोटे राजा है उनको राजकुमार बोलते हैं, राजकुमारी बोलते हैं, तो वही राजा बनेंगे आगे जाके मरने के बाद में, या पहले भी बन सकते हैं अगर वो उनको शासन राजगद्दी देते, तो उनका एक मंत्री होता है मनुस्मृति के अनुसार, क्योंकि राजा का एक मंत्री होता है महामंत्री, और उसका एक कैशियर होता है यानी खजांची होता है, उसके कुछ और मंत्री होते हैं, और वो एक पूरा पूरा नेक्सस बनाते हैं, पूरी एक कैबिनेट टाइप बनाते हैं, और उसमें वो डिसीजन करते हैं, उसमें पब्लिक का डिसीजन नहीं होता, यानी पब्लिक से चुन के कोई आदमी नहीं आ सकता, राजा जिसको नॉमिनेट करेगा वो मंत्री रहेगा। तो प्रजा का क्या काम है? प्रजा का काम है राजा की बात को मानना, और जो ना माने उसे जेल में या कौड़े। तो पैसा कहाँ से आएगा? राजा तो कमाता नहीं, उसका मंत्री तो कमाता नहीं, तो पैसा आएगा जो प्रजा खेत में काम करेगी, जमीन में काम करेगी, फसल उगाएगी या कोई उद्योग धंधा करेगी, उसमें से लगान देगी, टैक्स देगी, रेवेन्यू देगी। मगर संघ क्या कहता है? अब ये जो जितने भी संगठन आज की डेट में चल रहे हैं ये मनुस्मृति पर आधारित है। इन सारे संगठनों में, चाहे वो पॉलिटिकल हैं हमारे भी और जो चले वो भी, उनके तो चलेंगे चलेंगे क्योंकि वो तो मनुस्मृति को मानते हैं, हम नहीं मानते मगर हम चलाते मनुस्मृति के आधार पर। हमारे यहाँ एक प्रेसिडेंट होता है सभी तरह के संगठनों का, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो लड़कों के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे वो आर्थिक हैं, कैसे भी हैं, तो उनका जो एक व्यक्ति होता है वो उसका मालिक होता है, उसे प्रधान बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। उसका एक जनरल सेक्रेटरी होता है, जैसे उसमें जो महामंत्री होता है यहाँ एक जनरल सेक्रेटरी होता है, उस जनरल सेक्रेटरी के नीचे कुछ सेक्रेटरी होते हैं, एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव बोलते हैं जिसको, और कुछ सीईसी के मेंबर होते हैं, और उसके बाद में होते हैं हमारे जैसे मूर्ख लोग जो उनको हर साल पर्ची कटा के पैसे देते हैं और उनका झंडा उठाते हैं। और हमारे जैसे मूर्ख लोग ये भी कहते हैं, देखो हमने तो झंडा पूरा सर पर रख के उठाया जी, हमने तो पर्ची पूरी कटवाई जी, हम तो कार्यक्रम में आए भी जी, और जहाँ कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं भी जी, मगर अधिकार सारे हमारे चले गए जो बाबा साहब लेके आए। और फिर हम उम्मीद उन्हीं से करते हैं जो लाखों संगठन में अलग अलग हैं कि ये करेंगे, कुछ करेंगे, और ऊपर से हम उन संगठनों में आपस में लड़ाई भी करते हैं कि तेरा संगठन खराब है, मेरा संगठन अच्छा है, तेरा प्रधान खराब है, मेरा प्रधान अच्छा है, तेरा मालिक अच्छा है, मेरा मालिक खराब है। ये मनुस्मृति के आधार पर जो हमारे संगठन है, तो लाभ किसको पहुंचाएंगे? जो आइडियोलॉजी होगी, आइडियोलॉजी है, विचारधारा है मनुस्मृति की, तो लाभ भी मनुस्मृति को होगा। मगर अगर विचारधारा आप संविधान की लोगे संगठन में, तो लाभ संवैधानिक होगा, संविधान को होगा, तो वो यहाँ किसी ने लागू किया नहीं, और वो बताते भी नहीं, वो तो हमको कहते हैं आप झंडा उठाते रहो, आप पर्ची काटते रहो, बस आपको बताना नहीं है, और हम कभी पूछते नहीं क्योंकि हमको जानकारी नहीं
कि संघ तो हमारा है, जो संघ का सिस्टम है वो हमारा है। अब चूंकि हम इसको अलग स्पेसिफाई करें तो हम इसको समण संघ बोलते हैं। बुद्ध ने तो इसको समण संघ नहीं बोला, शाक्य संघ में तो समण संघ नहीं बोला, मगर वो समण लोग थे, हम भी समण लोग हैं, तो ये समण संघ है। तो इसका नियम संविधान के आधार पर, बेसिकली संविधान उसी नियम से लिया गया है। तो इसमें सबका विकास होगा, इसमें सबकी जानकारी होगी, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, इसमें आ सकते हैं। इसमें काम बहुमत से होगा, कोई व्यक्ति अगर ज्यादा काम भी करता है वो भी निर्णय नहीं ले सकता, कोई व्यक्ति अगर कम काम करता है वो भी निर्णय नहीं ले सकता, निर्णय जो होगा वो बहुमत से होगा। आपने जो बात कहनी है कह दीजिए आप। तो हमारे लोगों को, तो अच्छे अच्छे जानकार लोगों को जिन्होंने दो दो तीन तीन महीने यहाँ सुनवाई भी की है, सुना भी है, उनको भी संघ समझ में नहीं आता। और जिनको संघ समझ में आ जाता है वो टस से मस नहीं होते, वो लग गए काम पे, उन्हें पता चल गया कि हमारी मुक्ति का रास्ता तो यही है। तो जो यहाँ लालचंद रैगड़ जी कह रहे थे, लालचंद रैगड़ साहब जैसे जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी लोग हैं, वो इस बात को ध्यान से सुने कि अगर मनुस्मृति के आधारित संगठन बनेगा तो लाभ मनुस्मृति का होगा, और अगर संवैधानिक आधार पर स्ट्रक्चर बनेगा तो संवैधानिक आधार पर बनेगा। तो बना लो भाई जिसको बनाना है। विदा पीपल में अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप सबको इकट्ठा कर लो, ये विदा पीपल भी यही काम करता है, ये सबसे कहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ। हमने सभी जितने भी लोग हैं, सभी तरह के संगठन हैं, उनके बहुत हाथ पैर जोड़े 2014 से लेके और 2018 तक बहुत हाथ पैर जोड़े हमने। हमने उनको बुलाया भी, उनकी दावत भी की, उनसे रिक्वेस्ट भी की, भाई इकट्ठे हो जाओ, हमारे सारे अधिकार चले गए, हमारी क्या गलती है भाई, हमने तुम्हारा झंडा भी उठाया भाई, हमने तुम्हें पर्ची भी काटी है, हम तुम्हें नेता भी मानते हैं, आगे भी हम नेता मानेंगे, भाई हमारी गलती तो बताओ क्या गलती है। तो गलती हमारी ये है क्योंकि हमने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम इकट्ठे हो जाओ। हमारी गलती ये है कि हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि अगर तुम इकट्ठे ना हुए तो हम पैसे नहीं देंगे। हमने कभी उनको ये नहीं कहा कि भैया अगर तुम इकट्ठे नहीं हुए सारे के सारे तो हमको इकट्ठा कहने के लिए मन बंद हो जाओ, हमें क्यों कहते हो इकट्ठा होने के लिए जब तुम नहीं इकट्ठे हो सकते। हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, भारत में कमी नहीं है, और उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम बना के हमको दिए हुए हैं, और बड़े बड़े कार्यक्रमों की वो बहुत अच्छी वकालत भी करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के और बुद्ध के और ज्योतिबा फूले के बड़े अच्छे अच्छे जानकार भी हैं, और पहले भी हैं और वो पैदा हो भी रहे हैं, मगर उनके दिमाग में जरा सी बात नहीं आई। वो कहते तो हैं कि इकट्ठा होना है, मगर उनके जरा सी बात दिमाग में नहीं आई कि भाई हम कुछ लोगों को इकट्ठा होने के लिए बोल रहे हैं, हम सबको इकट्ठा होने के लिए क्यों नहीं बोल रहे। हम ये क्यों कहते हैं कि इस आदमी, इस नेता, इस संगठन, इस ग्रुप के लिए इकट्ठे हो जाओ। हमें बाबा साहब ने कब ये कहा था कि एक संगठन के लिए इकट्ठा होना है, या अलग अलग संगठन बनाने हैं, या हजारों संगठन बनाने हैं। एक स्टेटमेंट दिखा दो मुझे बाबा साहब की, जो बाबा साहब अम्बेडकर को रट्टा मारते हैं, बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब के वॉल्यूमों का एक एक ऐसा वृत्तांत देते हैं, जो बाबा साहब के नाम पर धमकाते हैं, मैं तो ये कहूँगा आतंक फैलाते हैं। मतलब कोई आदमी अगर बाबा साहब के बारे में नहीं जानता तो उसको पूरी कोटेशन पढ़ा देंगे, कोई बुद्ध के बारे में नहीं जानता तो पूरा पाली में पढ़ा देंगे, कोई ज्योतिबा फूले के बारे में नहीं जानता तो पूरा गुलामगिरी पढ़ा देंगे उसको, और अच्छी तरह धमका देंगे, बेचारा चुप हो जाता है, कहता भाई इनको ज्यादा जानकारी है, मैं क्या बोलूं, ये विद्वान लोग हैं। भाई काय के विद्वान हो, जब इकट्ठे नहीं हो पाए, जब तुम बाबा साहब की बात जो संगठित रहोगी वो नहीं समझ पाए, जब बुद्ध के संघ को नहीं समझ पाए, और खुद कहते हो कि इकट्ठे हो जाओ और खुद इकट्ठे नहीं होते हो, तो भाई काय के विद्वान हो। कहां बुद्ध ने कहा पूरे त्रिपिटक में लिखा है कि भाई अलग अलग इकट्ठे होना, और कहां बाबा साहब अम्बेडकर ने कोई स्पीच भी दी है जब उन्होंने ये कहा हो कि मेरे मरने के बाद में इतने लाख संगठन बना के इकट्ठे हो जाना, भाई जितने ज्यादा संगठन होंगे उतना फायदा होगा। तो हमारे जो लालचंद रैगड़ जैसे जो भाई हैं वो ये समझते हैं कि ज्यादा संगठन होने से ज्यादा फायदा होगा। भाई संगठन एक होगा तो ज्यादा फायदा होगा, और संगठन अगर ज्यादा होंगे तो जितने ज्यादा होते जाएंगे उतने नुकसान होता जाएगा, क्योंकि आपकी शक्ति बटेगी, आपका पैसा बटेगा, आपका टाइम बटेगा। तो जिससे आप डिमांड कर रहे हो, यानी संविधान से आप डिमांड कर रहे हो, पार्लियामेंट से आप डिमांड कर रहे हो, तो संविधान क्यों सुनेगा आपकी। संविधान कहता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पार्लियामेंट में है। तो आपकी तो हिस्सेदारी हो नहीं सकती, क्योंकि आप तो लाखों हिस्सों में टूटे पड़े हैं, और वहां तो हिस्सेदारी के कुल 700-750 तो सीट सारी हैं, तो लाखों में जो टूटे पड़े हैं वो उन सीटों तक कैसे पहुंचेंगे, तो अपनी बात कैसे रखेंगे। तो संविधान ना बचाए उनको, संविधान तो बिल्कुल नहीं बचाएगा। संविधान तो साफ कहता है मरो जाके, जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो जाके जहर खा लो, जाके मर जाओ। जब मैं चीख चीख के तुमसे कहता हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उस हिस्सेदारी ले जाओ मेरे से, मैं संविधान हूं, मैं तो रक्षा करने के लिए तैयार बैठा हूं, तुमको अपनी रक्षा नहीं करनी तो मैं क्या करूं।
तो मेरे विधि विधान का तरीका है, क्योंकि मैं संविधान हूं, तुम इकट्ठे तो हो जाओ और इकट्ठे होके आ जाओ। तो लोग कहते हैं जी इकट्ठे होने से क्या होगा, अरे इकट्ठे होने से संविधान आपको बचा लेगा। फिर इकट्ठे होने से तो एमपी एमएलए बनेंगे, अरे भाई बिना एमपी एमएलए के भी बचा लेगा, संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए बनेंगे तभी बचेंगे, संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो कभी ये नहीं कहता वी द एमएलए ऑफ विधानसभा, वी द एमपी ऑफ लोकसभा, वी द एमपी ऑफ पार्लियामेंट, वो कभी नहीं कहता, वो हमेशा कहता वी द पीपल, हम भारत के लोग। वो कभी नहीं कहता कि हम भारत के एमपी या हम भारत के एमएलए या हम भारत के प्रधानमंत्री या हम भारत के राष्ट्रपति, कभी नहीं कहता। तो संविधान वी द पीपल से चलता है। तो लोगों को यकीन नहीं हुआ इस बात में कि अगर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बात निकाल दी ना दिमाग से कि इकट्ठे होने में ताकत होता है, बल होता है। अगर वो बुद्ध की बात याद होती जिसमें बुद्ध कहते हैं कि 7 अजय नियम हैं दुनिया के, अपरिहार्य नियम हैं, यानी जिनको कोई नहीं हरा सकता, उनमें एक नियम ये भी है कि जो लगातार इकट्ठे होते रहेंगे और एक डिसीजन लेंगे और डिसीजन पर काम करेंगे, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती, ऐसा उन्होंने अच्छी तरह से बताया है वज्जी लोगों को, और जो वसाकार आया था मंत्री उसको बताया है, और ये बात दुनिया में चलती है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया में जब लोगों को यकीन नहीं हुआ, तो हम लोगों को कहते हैं कि 2 अप्रैल 2018 याद करो भाई, 2 अप्रैल 2018 को कोई नेता नहीं था तुम्हारा, तुम्हारे संविधान का एक पन्ना निकाल के फाड़ के फेंक दिया कि जाओ आज से SC ST एक्ट खत्म कर दिया, ये तुम्हारा संविधान खत्म आज से, और सारे के सारे नेता भाग गए, कोई नहीं आया सड़क पे। तब वी द पीपल आए थे सड़क पे, तब हम भारत के लोग सड़क पे आए थे, और ज्यादा नहीं आए, बहुत थोड़े से आए थे, बहुत थोड़े से आए थे, क्योंकि पूरे समर समाज के नहीं आए, थोड़े से समर समाज के आए, और वो सड़क पे क्या आए, 4 घंटे तो सड़क पे आए थे और आगे खड़े तो हुए थे, उन पर क्या था, ना तोप ना बंदूक ना गोला ना पैसा ना कार ना कुछ, सीधे सीधे गरीब गरीब से आदमी थे वो, पैसे वाले तो तब भी नहीं आए, बड़े लोग तो तब भी नहीं आए, वही गरीब से गुरबा से लोग आके खड़े हो गए। और संविधान कहता है कि वी द पीपल आज सड़क पे खड़े हो गए हैं, और आज सड़क पे खड़े हो गए हैं तो मुझे उनको बचाना है, और वो पेपर वो पन्ना संविधान में इज्जत के साथ वापस जुड़ गया, और संविधान उतना बच गया जितनी लड़ाई आपने लड़ी। अगर आप 4 घंटे के लिए इकट्ठे होके एक पन्ना बचा सकते हैं, तो पूरे दिन खड़े होकर 2 पन्ने बचा सकते हैं संविधान के, और अगर आप हमेशा के लिए खड़े हो जाएं, तो सिख और सरदारों की तरह और पूरी दुनिया में जो लोग इकट्ठे होते हैं उनकी तरह आप अपने संविधान की एक एक चीज बचा सकते हैं। बल्कि बचाने की तो बात छोड़िए, जो बाबा साहब बिना संघ के लिख नहीं पाए, क्योंकि उस समय हम वी द पीपल नहीं थे, बाबा साहब ने तो वी द पीपल बनाया, उस समय तो बस बाबा साहब आई द पीपल थे, वन पीपल थे, बस वन पीपल डॉक्टर अम्बेडकर। अगर वहां वी द पीपल होते तो संविधान में वो सारी बात लिखते जो आज हमें मिलती, हमें यहाँ रोजगार की गारंटी मिलती कि हमारे हर बच्चे को काम मिलेगा, और जिसको काम नहीं मिलेगा सरकार उसको पेंशन देगी, वो देश की ड्यूटी बनती है कि वो अपने नागरिक को पैसा दे, पेंशन दे, अगर काम नहीं दे सकती, काम देने की जिम्मेदारी देश की है, हम ये भीख मांगते रहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए नौकरी मिल चाहिए, ये हमारे संविधान की गारंटी है, नहीं कर पाए क्योंकि वो संघ नहीं था उस समय, अकेले थे बाबा साहब। अगर वी द पीपल होते तो संविधान में सारी बातें होती और बाबा साहब इतने कमजोर ना होते कि उनके हाथों से वो जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड लेके आए थे वो इलीगल तरीके से छीन लिया, धमका के और आतंकवाद करके छीन लिया हो। तो आज अगर वी द पीपल बनोगे तो जीत जाओगे, और अगर वी द पीपल नहीं बनोगे तो यकीन मानना मेरे जो एक्सपेक्टेशन है वो 30 साल की है कि 30 साल में आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से बाबा साहब ने मरे के जानवर खाते हुए तुम्हें देखा था और माना था। और हो सकता है जितनी महंगाई और जितनी मौके हमारे जा रहे हैं और जो संविधान की जितने हिस्से जा रहे हैं, 30 साल से पहले भी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरे हुए जानवर का मांस खाते हुए देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि राजस्थान सबसे ज्यादा तेल पैदा करता है, मगर अब तेल जो बिकेगा वो डिब्बे में बिकेगा, यानी कि जो 100 रुपए किलो का तेल राजस्थान देगा, जो 50 रुपए लीटर का जो तेल वो देगा, वो आपको 250 रुपए और 300 रुपए लीटर मिलेगा, और आपको 300 रुपए तो सारे मिलेंगे, क्या बोलते हैं, पूरे दिन मजूरी करने के बाद में, और वो भी काम मिले ना मिले, 15 दिन मिले ना मिले, तो आप कैसे ले लोगे, कैसे तेल तेल खाओगे, कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, क्या करोगे। तो अभी तो इकट्ठे हो सकते हो तो कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि अगर अभी इकट्ठे हो गए तो राजा रानी का राज नहीं है, अभी जो राज है वो संविधान का है। तो संविधान कहता है अभी इकट्ठे हो जाओ तो मैं बचा लूंगा, और भाई मैं ही मर गया, मैं ही खत्म हो गया, तो फिर आपका वोट का राइट खत्म हो गया, फिर तो राजा रानी की जो जनता है वो उसके महल के आगे कितने घंटे बजाते रहो, कितने कहते रहो महाराज महाराज त्राहीमान त्राहीमान, महाराज की मर्जी होगी तो सुन लेगा, नहीं तो आपको डंडे लगवा देगा, नहीं तो कौड़े लगवा देगा, नहीं तो भूखे मरो।
तो संविधान होगा तो उसे सुनना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में है कि अगर आप त्राहिमान त्राहिमान करोगे, सड़क पे आओगे, तो आपका एक्ट बच जाएगा, जुड़ जाएगा। मगर संविधान नहीं है और फिर एक्ट कोई दूसरा आ गया, फिर तो आपका राइट खत्म हो गया। आप इकट्ठे हुए बाद में, तो क्या इकट्ठे हुए, वो खेत का क्या फायदा बचाने का जब चिड़िया चुग जाए खेत, फिर तो आप फिर मरना, फिर जीना, फिर सब कुछ उसी स्थिति में आना। कोई बाबा साहब निकलाया बाहर, फिर कोई अंग्रेज वंग्रेज आ गए, देश को गुलाम बना लिया, तो वो आपको दे देंगे। सोचो अगर बाबा साहब भी आपके ये पढ़े लिखे, पहली बात तो अगर यहाँ अंग्रेज ना होते तो वो पढ़ नहीं पाते, और अगर वो कहीं छुप छुपा के पढ़ भी जाते तो उनको मान्यता नहीं मिलती, और अंग्रेज ना होते तो उन्हें कौन पूछता, कौन उनकी बात मानता। तो अब तो अंग्रेज भी नहीं है, अब आपकी बात कौन मानेगा, तो अब स्थिति डबल खराब है। अगर बाबा साहब जैसा कोई आ भी गया, 10-5 आ भी गए, तो भी कुछ नहीं कर सकते, मगर आप कर सकते हो क्योंकि आप विदा पीपल हो। तो इसके लिए अगर किसी का ईगो और अहम टकराता है, किसी को लगता है कि मुझे नेता बनना है, मैं तो नहीं जाता विदा पीपल, ना जाए। अरे जुड़ने का काम तो करे, लोगों को जुड़ने का काम तो करे। किसी को लगता है कि ये विचार बड़ा अच्छा है, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो करे, संघ बनाए, करे तो सही। किसी को लगता है कि ये जो चीज़ें हो रही है बहुत बढ़िया है, मैं तो अलग करूँगा और मैं इसको लंबी लकीर खींच दूंगा, अरे भाई वैसे तो लकीर खेलने का समय है नहीं, और बहुत सारे लोगों ने लकीर वकीर खींच ली है, इनको छोड़ देना चाहिए, इन लकीरों में कुछ नहीं रखा। फिर भी कोई करना चाहे ट्राई करके देख ले। इलाज एक ही है कि आपको जुड़ना है और जोड़ना है, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जहां जहां जुड़ेंगे वहां वहां जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे। अभी जुड़ेंगे, अभी 9:40 में जुड़ेंगे तो 9:41 में संविधान पूरा हो जाएगा, आपके सारे अधिकार मिल जाएंगे। और 100 साल बाद जुड़ेंगे तो 100 साल बाद अगर संविधान रहेगा तो कुछ मिलेगा, और संविधान ना रहा तो जुड़ने का मिलेगा नहीं कुछ। जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीते जाएंगे, 100 जुड़ेंगे 100 जीतेंगे, 1000 जुड़ेंगे 1000 जीतेंगे, सारे जुड़ेंगे सारे जीतेंगे। तो जिद्द अब जुड़ने की है, जिद्द अब बचने की है, जिद्द जिंदा रहने की है, जिद्द जिंदगी की है। क्योंकि जिसको ये लगता है कि अभी जो तलवार है वो गले पर नहीं अटकी, जिसको ये लगता है कि अभी हमारे अधिकार चले नहीं गए, जिसको ये लगता है कि मैं तो बड़े मजे में हूँ, वो थोड़ा और वेट करे, सब जाएगा, किसी का नहीं बचेगा। और जो ये छुटपुटे नेते हैं और जो नेता हैं और जो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो खुद बेवकूफ़ हैं, इनको इतना पता नहीं है कि जब हम नहीं रहेंगे, जब वी द पीपल नहीं रहेंगे, तो नेता क्या करेगा, किसका नेता बनेगा, कौन पूछेगा। अरे हम हैं तो तुम हो भाई, जब हम ही नहीं रहेंगे, प्रजा नहीं रहेगी, झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, जब जय जयकार करने वाला नहीं रहेगा, जब पर्ची कटवाने वाला नहीं रहेगा, जब सुनने वाला नहीं रहेगा, तुम काहे के नेता हो, तो तुम्हारा भी नंबर आएगा, तो उनका नंबर आएगा, वो भी मारे जाएंगे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया है। मगर हमें उससे क्या, वो मरते हैं आज, मरते हैं आज, मर जाएं, ना समझ में आती है, समझ में आती है तो आ जाएं, मगर हमें तो बचना है, इसलिए हमें इकट्ठा होना है। तो संविधान को हमने नेता मान लिया कि हमारा नेता संविधान रहेगा, वो हमें रास्ता दिखाएगा, तो हम इकट्ठे होने शुरू हो गए। तो वी द पीपल में आज के समय हजारों लोग जगह 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 इसकी जिक्र कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि भाई इकट्ठा होना है, और अपने नेताओं को कह रहे हैं भाई इकट्ठे हो जाओ, हमारे नेता आप, हम आपको नेता मानते हैं, इकट्ठे हो जाओ, चाहे कोई कितना बड़ा नेता है, चाहे कितना छोटा है, और नहीं होते हो तो हम आपको छोड़ गए। तो लोगों को एक पहचान चाहिए कि भाई वी द पीपल होने की कोई पहचान तो चाहिए, जिससे हम आपस में एक दूसरे को जोड़ सकें। तो ये जो W और E लिखा हुआ है पीले लाल रंग से और काले रंग के घेरे में, ये हमारी पहचान है, ये हमारी जान है, ये हमें बचाएगा। तो 10-5 रुपए खर्च करो भाई, हाथ से बना लो, पीली पेंसिल से, लाल पेंसिल से, काले से बना लो, पेंट से बना लो, नहीं तो 10-12 रुपए में आजकल डिजिटल छपता है। कहाँ छपता है, हर बड़े शहर के अंदर, हर जिले के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस है, और अगर ना भी है तो कलर प्रिंटिंग प्रेस सबके पास है, और नहीं है तो 5 रुपए का फोटो खींच के बना लो, इसको कार पे चिपका लो, इसका स्टिकर 10-12 रुपए बनता है, यहाँ BS आजाद जी है वो बता देंगे, उनसे चैट बॉक्स में पूछ लो, उनका फोन नंबर पूछ लो, इसको बना लो, इसे भैया कार पे लगाओ, इसे स्कूटर पे लगाओ, इसे घर पे लगाओ, दीवार पे लगाओ, इसका झंडा बनाओ, इसे अखबारों में लगवाओ, इसे इसकी पोस्ट बनाओ, इसको लिखो, इसको बनाओ, और जो पोस्टें विद पीपल की आ रही है उनको आंख बंद करके आगे भेजो। नहीं, अगर जन जागृति नहीं करोगे तो बच नहीं पाओगे, और जब तक सबको ये नहीं कहोगे कि इकट्ठा होना है तभी हम बचेंगे, और इस काम को खुद नहीं करोगे, 142 लोग हैं यहाँ, 142 लोग अगर जुड़ने जुड़ने का काम नहीं करेंगे तो किसी का इंतजार मत करो, वरना हम मारे जाएंगे, कोई नहीं आने वाला बचाने वाला। अत दीप भव बनना है, अपना प्रकाश खुद ही करना है, जिद है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, इस वाक्य को याद रखें, और इस वाक्य से भी अंतिम वाक्य है कि जिद है जिंदा रहने की।
जुड़ेंगे और जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो बचेंगे। इसलिए आप सब इस काम में तेजी से लग जाइए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शानदार तरीके से जो है वी द पीपल के कॉन्सेप्ट को आपने जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सुधीर जी ने अभी बात की उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना है कि जैसे विचारधारा बन रही है कि संगठन है, संगठन क्या खत्म कर दिया जाए या संगठन को वी द पीपल में विलय कर लिया जाए। सर अभी पर्चे दीजिए आप प्लीज, पर पर्चे देने का टाइम है सर, अभी बहुत सारे उदयराम जी शर्ट पहन के आइए। एक मिनट इनके प्रश्न जायज है बिल्कुल। सुधीर जी इसका जवाब दीजिए सर। हाँ, आपका संगठन कौन सा है सर? उदय जी प्रॉपर ड्रेस पहन के आइए सर, थोड़ा सा आप जन जी। नमस्कार जी जी, परिचय। एक मिनट सभी चुप हो, शांत हो जाए। सुधीर जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट शांत हो जाए। मैं ध्यान नहीं था कि आप हमें बोलने के लिए कहेंगे। जी जी, शर्ट पहन लो फिर आपका परिचय कराते हैं। जी जी, थैंक यू। सुधीर जी सर बोलिए सर। आपका संगठन कौन सा? वीडियो बंद कर दो इनका। मैं सर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, अमेरिकन सेल्फ हेल्प ग्रुप में चला रहा था। अच्छा, कितनी मेंबरशिप है, कहां कहां आपका क्षेत्र है काम करने का? बेटा शर्ट पहन लो। क्षेत्रीय ब्लॉक स्तर पे था सर। अच्छा, तो उसमें लगभग 112 लोग जुड़े हुए थे उस समय। उस तरह ने जिस टाइप का आपका काम करने का तरीका है, उस टाइप के कुछ और भी लोग हैं आपकी जानकारी में? जी जी। तो आप उस टाइप के सब लोगों को इकट्ठा करो ना ऑल इंडिया में। नहीं नहीं, अब तो सर मैं उनको अभी उन्होंने ब्रेकअप दे दिया है, मैंने उसको हमने दूसरे के हैंडओवर कर दिया है। देखो वी द पीपल ये कहता है कि वी द पीपल के ना जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो जो काम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन फील्ड में है, चाहे वो एनजीओ टाइप है, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो धमके हैं, चाहे वो हमारे साधु संतों के हैं, चाहे वो बच्चों के एजुकेशन के हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं, क्योंकि वो सारे के सारे लोग ही इकट्ठे होने हैं तो किसी को छोड़ नहीं सकते आप, तो किसी को छोड़ना नहीं है। और वी द पीपल में आप और पहले से ही वी द पीपल में हैं, आपको मर्ज होने की आवश्यकता नहीं है। वी द पीपल ये कहता है, समण संघ ये कहता है, संघ ये कहता है कि चाहे देश में है चाहे विदेश में है, जो व्यक्ति समण समाज का है, समण का मतलब एस सी एस टी है, वो वी द पीपल का सदस्य होता है। तो आपका जो एनजीओ जो आप काम कर रहे हैं वो पहले से ही वी द पीपल में है, इसमें कहीं कोई नोटरी में जाके या कहीं मजिस्ट्रेट में जाके स्टाम्प नहीं लेनी है। आपने ये कह दिया कि मैं आज से क्या उधर सबको इकट्ठा करूंगा और मैं इकट्ठा होना चाहता हूं, तो हो गया काम। देखो हम जब अलग हुए थे तो किसी ने हमें स्टाम्प पर लिख के थोड़ी दिया था, किसी ने कोई कागज पर लिख के थोड़ी दिया कि आज से क्या बोलते हैं अवध कुमार जी और ब्रिजमोहन जी अलग अलग हो गए, किसने कहा? ये सब हवा में चल रहा है। तो आप वी द पीपल ही हैं। आपको अगर ये आइडियोलॉजी लगती है कि अभी आइडियोलॉजी के बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा और ये अभी और समझनी है तो और समझे, मीटिंग में आके लोगों से सब यह प्रश्न पूछें, और आप जो काम कर रहे हैं उस काम में जो और तरह के लोग हैं उनको ये कहें कि भाई सब इकट्ठा होना है और एक ही तरह से होना है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो काम करते हैं उस पर वी द पीपल लिखना शुरू कर दें और ये हम वी का लोगो लगाना शुरू कर दें। आप काम बंद ना करें मगर इकट्ठा करना है काम आपने, और जितने भी तरह के लोगों के जो संगठन है जो काम करे उनको लगातार ये कहना है कि भाई इकट्ठे हो जाओ। देखो देश में पॉलिटिकल पार्टी तो रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी से तो पॉलिटिकल पार्टी लड़ेगी ना, हम थोड़ी लड़ेंगे। हम तो यहाँ जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो हमारा काम पॉलिटिकल करने का नहीं है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां सारी बिखरी हुई हैं, वो एक होगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे ना, तो हम जीतेंगे ना। और अगर हम 10,000 को सपोर्ट करेंगे तो हम तो मर जाएंगे। तो जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी पंथों को मानने वाले लोग हैं, साधुओं को मानने वाले, बाबा को मानने वाले, उनसे भी हम कहते हैं इकट्ठे हो जाओ। तुम अलग अलग मतों के अलग अलग पंथों को मानोगे तो कैसे होगे? चलो अलग अलग मानते भी हो तो इकट्ठे तो हो जाओ। तो इकट्ठे हो जाओगे तो आपका पैसा एक जगह जाएगा। और जितने भी सामाजिक संगठन हैं जो जो हमारे पास पर्चे लेके आते हैं उनको भी हम ये कहते हैं, अरे भाई जब समाज का भला सबको कर रहे हो और सब ये कहते हो कि समाज का भला करना है तो भाई अलग अलग क्यों हो? फिर समाज का भला कैसे हो रहा है? या तो तुम बेवकूफ़ हो या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, या हम दोनों बेवकूफ़ हैं क्योंकि आप हमें बना रहे हो और हम बन रहे हो। तो भाई आप सारे सामाजिक संगठन इकट्ठे करो, वो सामाजिक संगठन भी वी द पीपल में है, वो राजनीतिक संगठन भी वी द पीपल में है, आप भी वी द पीपल में, हम भी वी द पीपल में हैं, हम तो सभी भारत के लोग हैं। आप बस ये डब्ल्यू ई लगाना शुरू करो, काम बन जाएगा। जी जी, विजय बहुत जी, पुणे से विजय बहुत जी बोलते रहिए सर, बोलते रहिए विजय बहुत जी। जय भीम नमो बुधाय सर, सभी को जय भीम नमो बुधाय। जय भीम नमो बुधाय। जी जी विजय जी, से बोल रहा हूँ मैं जी।
वीडियो तो लगा मुझे। नेटवर्क में राजस्थान से और साथी जुड़े हैं तो हाँ बिल्कुल जुड़ रहे हैं सर, अभी जुड़ेंगे। मोतीलाल लखड़निया जी सर हैं, अब बांसवाड़ा में कॉलेज एजुकेशन में है, पीटीआई हैं आप जो है वो। जी जी छोटेलाल जी। जी सर। कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ सर, ठीक हूँ। आज छोटेलाल जी यानी आप और भागचंद पिंगोलिया जी और डॉक्टर दशरथ हिरनिया जी तीनों मिलके आप क्या बोलते हैं चलाएंगे मीटिंग राजस्थान की? जी सर। एक को रहो मास्टर जी, उनको भी बीच बीच में ले लियो। कौन से मास्टर जी? तो एक हमारे बहुत पुराने साथी में नाम भूल जाता हूँ, अभी दर्शन होंगे जो बता दूंगा। लक्ष्मण यादव जी, वो जो बांसवाड़ा से, वो है क्या? नमो बुद्धाय जय भीम। राजस्थान वाले लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सर। वो जी 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 इनको साथ जरूर लेना है वो छोटेलाल जी। जी सर, जी सर। लखपत सिंह राजस्थान से है क्या? यूपी से हैं। हाँ, बात करो। मुरादाबाद से सर। कहाँ से सर? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से सर। हाँ, बात करो। रोज रेगुलर छोटेलाल जी से रेगुलर है और बहुत ही पॉजिटिव साथी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मालूम है सर लखपत जी, बस मालूम है तो बस। अभी 28 हुए सर, 23। आपस में बोलो, बातचीत करो। सीताराम जी, सीताराम जी माइक को अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय दीजिए। जयपुर से सीताराम जी। जय भीम। जय। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ। मैं सीताराम नारुलिया जी, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का अतिरिक्त महामंत्री के पद पर कार्यरत हूं। जी जी। हाँ जी सीताराम जी। और भी राजस्थान से कोई साथी जोधाराम जी का हो गया ऐसा? जोधाराम जी, जोधाराम जी थोड़ा सा लेट बता रहे कि वो 10 मिनट बाद में जुड़ेंगे। जोधाराम जी बोलिए सर, जुड़ गए तो? जुड़ गया ना यार मैं। अच्छा तो मैं म्यूट कीजिए ना वीडियो, दर्शन तो कराओ।
राम जी परिचय दो। चलो जब तक ओम प्रकाश जी कैनोलिया जी जुड़े क्या जी 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 हो गया आपका परिचय दीजिएगा। ओम प्रकाश जी उनका तो हो गया शायद ओम प्रकाश जी गेन हो लिया था तदेन सांबर ब्लॉक अध्यक्ष जी जी। एक रील में फाइव पैस करके है नाम नहीं आ रहा भारती ऐसे करके भी आ रहा है किसी की दो साइड खुली हुई है एक मोबाइल से उसमें उसमें माइक बंद करो एक Realme 5S दीजिए अपना परिचय। जी मेरा नाम परिहार है जी। कहाँ से हो? अलीवाड़ा। राजस्थान से? नहीं रायसेन जिला में अलीवाड़ा तहसील। जी 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 परिचय दीजिए। जी सर क्या करते हो सर? सर मेरा खेतीबाड़ी का काम है। जी जी खेती काहे की खेती होती है आपके यहाँ? सर धान भी लगती है और गेहूं चना। जी इस तरह आपको लिंक कहाँ से मिला? सर रमन बामने जी ने दिया। अच्छा अच्छा रमन बामने ने दिया। ओके सर जुड़े रहिए और भी अपने साथी हैं उनको भी जोड़ते रहिए। 33 लोग जुड़ चुके हैं सर अपने से अभी। जी सर कोई कोई साथी नया है नए हैं तो उनका भी स्वागत है। हैंड रेज कीजिए या अपना परिचय दीजिए। मानसिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। दीजिए मानसिंह जी। छोटूलाल जी आपकी दो डिवाइस चल रही है क्या? नहीं उसका अनम्यूट है लेकिन बंद कर देंगे मगर इको आ रहा है। इको आ रहा है जी ठीक है बंद कर देता हूँ। आप स्पीकर भी बंद करो उसका और वो भी बंद करो क्या बोलते हैं माइक तो काम चलेगा। नहीं हटा दिया उसको मोबाइल से। ठीक है हाँ मानसिंह जी मानसिंह मीना जी सर आइए। रमवीर जी आप हमारे को संभालो। ना ठीक कर रहे हो चिंता मत करो खूब। नहीं क्या क्या हो गया पंगोलिया जी बच्चे हैं आपके? नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे नहीं भाई हो और मनीषा जी निगम मैडम जुड़ गई है। मनीषा जी बोलिए। हाँ जो मर्जी बोलो आप खुल के बोलो। भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। मनीषा जी जय भीम कर रही है जी। जय भीम जी जय भीम नमो बुद्धाय। अरे सर सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। जी राजवीर सिंह जी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय सर। बिल्कुल राजवीर जी बिल्कुल जय भीम नमो बुद्धाय सर। कैसे हो सर? वेरी फाइन सर आप सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल आशीर्वाद है सर आपका। आप तो स्मार्ट लग रहे हो। स्मार्ट लग रहे हैं? नहीं नहीं अच्छी से आज इनके राजस्थान का दिन है सर। राजस्थान दिवस है सर आज। ओके जय भीम नमो बुद्धाय टू ऑल द रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ वीदा ग्रुप। आई एम सत्यवर फ्रॉम कलकत्ता। बिल्कुल सर जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय सर। वेलकम सत्यवान जी। सभी साथियों का वेलकम है इस प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत। नंदकिशोर जी जुड़े हैं आज। नंदकिशोर जी का हो गया परिचय। और भी कोई साथी नए जुड़े हैं आज पहली बार जुड़े हैं या तो हैंड रेज कर सकते हैं या स्वतः ही आप
अपना परिचय दे सकते हैं? एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से, अभी तो ज्यादा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे, पहले फोटो दिखाओ अपनी। फोटो नहीं दिखाते हैं सत्यवान जी, बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। सत्यवान जी दिखाओ सर, फोटो इतनी काम की नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा रहा ना। काम की नहीं है सर, फोटो काम नहीं, काम की नहीं है, बातें तो काम की है आपकी। इसलिए कहता हूँ कि जैसे हमारे सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है, और सुधीर राज जी बार बार बोलते रहते हैं कि जुड़ो और जोड़ो, जब जब जुड़ेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ जीतेंगे। बिल्कुल सर, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सारे इधर उधर की बातें छोड़ के जुड़ना है, जोड़ना है, जो सरकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, सरकार बनानी, बस। नहीं, सरकार को तो उखाड़ना है सर, बचाना नहीं, नहीं, नहीं। हमारी सरकार को, हमारी सरकार बनानी है, अपनी सरकार बनानी, संविधान बचाना है, बस वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद कारखाने लगाने, हॉस्पिटल खोले, इंडस्ट्री खोले, आपकी छूट होगी। नहीं, वो सत्यवान जी क्या है, सर्वांगीण विकास भी होना चाहिए, मतलब हर क्षेत्र में जाना है ना अपने को। आज की जो प्रीएम्बल है वो कौन पढ़ेंगे थोड़ा, आप या तो आप पढ़े या कोई और पढ़े। मैं पढ़ दूंगा सर, स्टार्ट कराएं सर, कर दूं स्टार्ट। चलो मैं प्रीएम्बल स्टार्ट कर रहा हूँ जी सर, स्टार्ट कर दीजिए सर, 50 लोग हो गए हैं। कौन पढ़ रहा है संविधान के उद्देश्य का सर, आइए मैं पढ़ दूंगा। जी बोल रहे थे ना, हाँ मैं बोल दूंगा सर अभी। लो जय भीम नमो बुधाय सभी को, जय भीम नमो बुधाय। मैं बोल दूंगा सर, या और किसी की ड्यूटी लगाई है छोटेलाल जी? जी सर, किसकी ड्यूटी लगाई, भारतन जी की? हाँ भागचंद जी बोल रहे हैं क्या? ठीक है, एक बार सभी साथियों का माइक अनम्यूट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुको भागचंद जी। जी माइक अनम्यूट करो। बीच में कोई भी साथी अभी मैं प्रीएम्बल पढ़ा जा रहा है, अनुरोध है कि कोई भी साथी बीच में जो है ना इस प्रकार की टोन टान जो लगा रही है मत लगाए प्लीज। ये सर राज, हाँ ठीक है मैं बोल रहा हूँ, हम भारत उद्देश्य का बोल रहा हूँ सर। एक मिनट, कौन पढ़ रहा है आज? जी मैं पढ़ रहा हूँ सर, भागचंद सिंह को लिया। जी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ आप अपना माइक खोलना, ठीक है? जी जी बोलिए, अपना माइक बोलिए। जी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्क्सी शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। जय संविधान, जय भीम। अपना माइक खोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भागचंद जी, आप 5 मिनट के लिए अपने जो साथी जो है ना एक बार उनका परिचय ले लीजिए, फिर उसके बाद में जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट और दे लीजिए आप। मैं सभी जो नए जुड़े साथी राजस्थान से है, जो पहली बार जुड़े हैं या पहले से जुड़े हुए, उन सभी साथियों से जिनका परिचय नहीं हुआ है वो अपना परिचय दें। सीताराम जी का हो गया, नंद किशोर जी का हो गया, और जोधाराम जी का नहीं हुआ अभी सर। मैं बोल रहा हूं मोतीलाल, मोतीलाल जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, मैं कोटा से
मोतीलाल अकड़िया और वर्तमान को झालावाड़ में ड्यूटी है, सीकर जिला में रह चला हूँ। इत्तेफाक रखता हूँ और लोगों को जागृत करने का काम करता हूँ। ठीक है जी, छोटा जी जी आगे सर जगदीश कुमार जी है, जगदीश कुमार जी जो जगदीश जी योगेश कुमार दिल्ली से जी जी बोलो बोलो बोलिए सर। योगेश कुमार दिल्ली कैंट से पहली बार जुड़ा हूँ मैं जी जी हाँ। और मैं पहली बार क्या क्या करते हैं सर? मैं सीपीडब्ल्यू में सर्विस करता हूँ जी जी, और आर के बहुत साहब ने ये मुझे जुड़वाया इधर जो अपने पालम से हैं जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो ये जो काम चल रहा है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं पूरे देश को बौद्ध में देखना चाहते हैं जी, क्योंकि जो हम पे जो जुर्म अत्याचार का कारण है, हम नकली हिंदू बने हुए हैं, ये है हम पे जुर्म अत्याचार का कारण, हम बौद्ध में देखना चाहते हैं। बस मेरा यही कहना है। जय भीम नमो बुद्धाय भाई साहब। जय भीम जी। मैं आपका जगदीश जी सर, मनीषा जी निगम कह रही है आपसे, जय भीम कर रही मैडम। नहीं नहीं सर, करिए आप, वो तो सर मैं को मैं जानती थी ना इसलिए। वेलकम तो बनता है ना। जी 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 सिंगोलिया जी, एक मनोज कुमार जी है सूरत, बिल्कुल ले लीजिए सर, आप ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। मनोज कुमार जी सूरत से इंडोन सिटी से आए, तो अपना प्रश्न है मनोज कुमार जी, मेरी बात सुन रहे हैं क्या मनोज कुमार जी? मनोज जी परिचय दीजिए। शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक जोधाराम जी भी राजस्थान का ही नाम है, जोधाराम जी। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो छोटेलाल जी। जोधाराम जी आए, कृपया परिचय दें अपना। जोधाराम जी आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी? जोधाराम जी अभी थोड़ा लेट बता, हाँ जुड़ गए। जोधाराम जी परिचय दीजिए, रिटायर्ड एसी भी रहे हैं आप। आपका माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, ओपन करो माइक। आवाज आ रही है? आगे 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 बोलिए जी, परिचय दीजिए सर आपका। जोधाराम सेवानिवृत्त सीबीओ और एम्बस से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। सर कहाँ कहाँ रहते हैं आप? राजस्थान के अंदर? सांगानेर जयपुर। सांगानेर में रहते हैं? अच्छा अच्छा, सांगानेर जयपुर। वेरी गुड सर, वेरी। तो सर आपको किसने जोड़ा है? किसने जोड़ा है मेरे को? हाँ हाँ, ये लिंक दिया ना आपको, किसने दिया है ये लिंक? दशरथ जी ने दिया है। अच्छा अच्छा, दशरथ साहब ने दिया, डॉक्टर दशरथ ने। विनोद जी जी, विनोद जी दुलारिया सर, विनोद जी दुलारिया सब लोग से जयपुर से परिचय दीजिए विनोद जी अपना। विनोद जी बोलो। विनोद जी दुलारिया सांबर से बोलो, विनोद जी परिचय दीजिए। सर आवाज नहीं पहुंच रही उन तक। सर हमारे बीच में आदरणीय ललित कुमार ओबीसी साहब जुड़े हुए हैं भोपाल से, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा के, प्लीज उनको बुलाएं। जी जी हाँ बिल्कुल, उनको बुलाएंगे सर, उनको बुलाएंगे। ललित कुमार ओबीसी साहब आइए और आपने परिचय दिए थे, पीपल में आपका स्वागत। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जी ललित जी सर जी, आप ये जूम मीटिंग के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है।
और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत निर्माण करने में जो सामाजिक जागृति का अभियान चलना चाहिए उसमें आपकी ये जूम मीटिंग मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और काफी व्यस्तताओं के कारण मैं बहुत पहले आपके साथ परिचय के लिए आना था, पर हमारे भाई जिन्होंने आज परिचय कराने के लिए आपको आग्रह किया है वो काफी दिनों से मुझसे बोल रहे थे पर समय की व्यस्तता के कारण मैं नहीं आ पा रहा था। एक और हमारी दीदी जो सीहोर से हैं वो भी अनोखी दीदी, वो भी काफी दिनों से इस मीटिंग के बारे में बता रही थी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है इसी तरह से आप इसको करते रहें। और दिन ऐसा अवश्य होगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के सपनों का भारत निर्माण करने में हम लोग सब कामयाब होंगे। मैं ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी एससी एसटी संयुक्त मोर्चा भोपाल से आपका वेलकम सर। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया सर। ललित कुमार जी आप तो पहले काफी दिनों से जुड़े हैं सर। नहीं 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 फर्स्ट टाइम सर, आज फर्स्ट टाइम आए क्या? बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत बहुत अच्छा। दो हैंड रेज है, पेंगोलिया जी जरा लेता हूँ मैं। जी जी लीजिए लीजिए। सुधीर कुमार जी का है, सुधीर कुमार जी आइए जरा अपना परिचय दीजिए प्लीज। सुधीर कुमार जी हेलो। हाँ जी बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं भादुरगढ़ से हूँ सुधीर कुमार, और दिल्ली की आईटीआई में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ जाफरपुर कला में, और मीटिंग में मैं डेली जुड़ता हूँ लगभग, और जो सैटरडे को जब मीटिंग थी वहाँ भी मैं था आपके साथ में, सबके साथ में। और अभी मैंने गुड़गांव में कुछ लोगों से बात की है, तो हो सकता है कि वो भी कुछ लोग आज जुड़ेंगे। और दिल्ली से भी बात की रोनी से, वो भी हमारे पुराने साथी थे, रिटायरमेंट हो चुके हैं, उनसे भी बात की है और वो भी आज शायद हमारी मीटिंग में जुड़ जाएंगे। सर आपको कैसा लग रहा है फिर दीदा पीपल से, आप बहुत दिन से जुड़ रहे हैं तो कुछ बताइए ना। सर मेरे को तो अच्छा लग रहा था, तो मैं लोगों को जोड़ रहा हूँ और मैं तो पहले से ही बहुत काम कर रहा हूँ। जोड़ना तो है बहादुरगढ़ में, मैं जो ना कई सालों से जितने भी संस्थाएं हैं अपने एससी की और ओबीसी की, जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, उन सबका एक प्लेटफार्म पे हमने 4-5 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ और काफ़ी हमने सफलता हासिल भी की है। कई हमने प्रोग्राम किए हैं इकट्ठे मिल करके सभी संस्थाओं ने, यहाँ करीब करीब 20-25 संस्थाएं हैं अपने, जो ना एससी की तो 22 संस्थाएं हैं भादुगढ़ में, और ओबीसी की जो ना 10-12 संस्थाएं हैं जो हमारे साथ में काम कर रही हैं। जी जोड़ पीपल से जोड़िए उनको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी बिल्कुल, सेम कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर ठीक है, हम चाह रहे हैं कि मीटिंग यहाँ भी हम रखेंगे भादुगढ़ में, लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे। मनोज कुमार जी है सुरोट से, करौली सुरोट से। हाँ ओम प्रकाश जी लेते हैं अभी, बोलिए पहले मनोज कुमार जी का हैंड रेज है, ले लीजिए उनको। मनोज कुमार जी आइए प्लीज। जय भीम नमो बुद्धाय सर, आप सभी लोगों को। हाँ अपना वीडियो खोल लीजिए प्लीज जरा मनोज जी, अगर सर वीडियो खोल, सर वीडियो खोलूं सर मैं? हाँ बिल्कुल खोलिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा दिखाइए सर अपना। लाइन नहीं आ रही थी सर, अभी आइए जस्ट में सर। एक कोई बात नहीं दिखाइए, अभी दामन की तरफ फोटो लग रही है। भाई मेरे गांव के रहने वाले हो आप, तो मेरे को दिखाओ तो सही कम से कम चेहरा, सभी को दिखाइए। देखो बहुत बढ़िया बोल रही है। मैं सर बोलूं सर कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। सर मैं सूरोड से हूँ सर, टाटा बस्ती से सर, मैं एक छोटा सा सर दुकानदार हूँ सर, व्यापारी हूँ सर। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मुझे परिवार सर, परिवार से जुड़कर बहुत अच्छा लगा सर मुझे। अच्छा मनोज जी आपको लिंक कहाँ से मिला है? क्या कह रहे हो सर? ये जो आपको लिंक मिला है मीटिंग में जुड़ने के लिए कहाँ से मिला होगा सर? वीडियो में तो उससे पहले तो मैं भरतपुर वाले ग्रुप में जुड़ा हुआ था सर। अच्छा, वीडियो अच्छा, में तो काफी दिन बाद आया था सर मैं बाद में। अच्छा 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 ठीक है, जुड़े रही और अपने साथियों को और जुड़ने के लिए बोला था ना, आए एक दो? जी सर मैं यही प्रोसेस चाहता हूँ कि सर हमारे लोग हैं कुछ, हमारे समाज में सुधार आए सर, आगे बढ़े समाज हमारा, थोड़ा किसी बारे में बताइए, जानकारी देते हैं सर, मेरी बात करा दीजिए अगर ऐसा है तो, 2-4 से है ना, और कोशिश करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, हमारा भी समाज थोड़ा आगे निकले सर। बिल्कुल हमारे जो संविधान बनाए गए हैं,
जी समझे। हमारे साथी जुड़े हैं सर लालचंद जी राजसमंद से, एक मिनट भागचंद जी, एक मिनट जी। सर छुट्टनलाल जी सर एक मिनट। हाँ बिल्कुल। सभी सभी साथी जो आज की इस जूम मीटिंग में जुड़ रहे हैं, सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि जो पहली बार आज इस मीटिंग में जुड़े हैं और जो राजस्थान और दिल्ली से हैं, सभी साथी अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है क्रम से बुलाने में सुविधा रहेगी, और जैसे ही आप लोगों का नाम है वो लिया जाता है, आप अपना माइक है अनम्यूट करेंगे और वीडियो है वो ऑन करेंगे, साथ ही साथ आप ये भी बताएंगे कि आपको लिंक कहाँ से मिला और किसके माध्यम से आप जुड़े हैं, तो इससे क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करने में सुविधा रहेगी। अब तक जो भी साथी आज की इस जूम मीटिंग में अपना परिचय दे चुके हैं, सभी से विशेष निवेदन है कि आप अपना नाम और अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि आप लोगों से संपर्क है वो किया जा सके। तो सभी साथी इस बात का ध्यान रखें और आप सभी का हम परिचय लेंगे। 9 बजे के लगभग जो है सुधीर राज जी वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताएंगे, और वी द पीपल की यानी कि एक तरह से क्यों आवश्यकता है और हमें जो है क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों यूनाइट होना चाहिए, इस बारे में यानी तरह से विस्तार के साथ में सुधीर राज जी है वो जो है विस्तार के साथ में है अपना जो है वो रखेंगे वक्तव्य। इसके अलावा जो भी साथी दिल्ली और राजस्थान से बाहर हैं वो उन साथियों का भी परिचय है वो लिया जाएगा, लेकिन चूंकि आज राजस्थान विशेष है तो राजस्थान विशेष होने के नाते राजस्थान और जो दिल्ली के जो साथी हैं उन सबको वी द पीपल के इस कॉन्सेप्ट से जोड़ना है, जो है लक्ष्य ये रखा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो सभी साथी है वो इस सूचना से अवगत रहे, और अब जो है वन बाय वन जो है वो परिचय है वो हम सभी साथियों का है वो ले रहे हैं। सर आप लोग मैं शुरुआत करूँ, आप लोगों की इजाजत हो? सर पहले मध्य बुलाइए। हाँ बुला लेंगे सर, बुला लेंगे, मध्य प्रदेश वालों को भी बुला लेंगे, चिंता ना करें ओम प्रकाश जी, लेकिन बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज, है ना, बीच में डिस्टर्ब करने से थोड़ा सा वो क्या है व्यवस्था बिगड़ती है, सबको बुलाएंगे सर, बिल्कुल बुलाएंगे। हाँ ओम प्रकाश जी नाम बता दो उनको, बुला लेंगे, क्या नाम है सर? मदन मोहन है सर, फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर है सर। बिल्कुल बुला लेंगे। मदन मोहन जी आइए, आपका आप अपना परिचय दीजिए सर, और आपका स्वागत है आज की इस जूम मीटिंग में। मदन मोहन जी जो ओम प्रकाश जी के जो है उनके संपर्क से आए हैं, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक है अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे अक्की कड़ी में बुलाना चाहूंगा डॉक्टर मान सिंह जी मीणा सर, जो कि भरतपुर से हैं, डॉक्टर मान सिंह जी मीणा। सर मदन मोहन जी जुड़े हुए हैं, उनको माइक कर नहीं आ रहा, उनको माइक का थोड़ा बता दीजिए प्लीज। सर वो बाद में बताइए प्लीज, जब वो नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा जो आ रहे हैं उनको तो लीजिए ना, आप उनको प्राइवेटली थोड़ा सा बताइए आप उनको। डॉक्टर मान सिंह जी मीणा, डॉक्टर राजकुमार जी झुंझुनू से हैं, डॉक्टर राजकुमार जी झुंझुनू से हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए सर। हेलो। हाँ हेलो, हाँ मदन मोहन जी स्वागत है सर आपका। हाँ जी नमस्कार जी, मैं मदन मोहन हूँ बम्बई से, मैं बॉलीवुड में हूँ एक्टर सिंगर और इवेंट ऑर्गेनाइजर, और ओम प्रकाश जी का दोस्त हूँ मैं, और जी 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 आज ही उनसे मेरी बात हो पाई और उन्होंने बताया सब कुछ, मैंने कहा ठीक है मैं जरूर जुड़ूंगा आप लोगों से, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जी 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 वेलकम सर, वेलकम रहिए सर, और हमारा 9 बजे जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर सुनिए सर। मदन मोहन जी, हाँ जी, हाँ जी, आप बस दुआ है, पहचाना नहीं साहब जी, साहब जी, हाँ मैं आपकी आपकी आवाज से पहचान गया मैं, बड़ी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। चलिए
बने रहिए, 9 बजे बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे, उसके बाद लंबी बात करेंगे आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो साथी हैं जिनको मैं अभी बुलाना चाहूंगा, नेक्स्ट है अशोक रतन कोसाम्बी, अशोक रतन कोसाम्बी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए सर। लगता है शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है मैं लालचंद जी सर को ले लीजिए। लालचंद जी आइए, लालचंद जी रेगर आइए, अपना माइक है वो अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। हेलो, हेलो, जय भीम नमोबुद्धाय सर। मैं यार कौसाम्बी लखनऊ से बात कर रहा हूँ। जी सर, जी सर, मैं एनटीपीसी से रिटायर्ड ऑफिसर हूं और अभी मैं लखनऊ में ही रहता हूं। वी द पीपल से मैं तक 2 महीने से लगभग जुड़ा हुआ हूं, रेगुलर मीटिंग को सुनता रहता हूं, काफी अच्छा लग रहा है। और जी सर, जी सर, स्वागत है, बने रहिए। कम 10-15 लोगों को जोड़ भी चुका हूं जो लाइक माइंडेड थे, उन्हीं लोगों को, जो लाइक माइंडेड नहीं थे उनको जोड़ने का प्रयास नहीं करता हूँ ज्यादा, जो लाइक माइंडेड हैं उन लोगों को ही जोड़ने प्रयास करता हूँ। और बहुत जी, अच्छा जी, लगता है जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर मान सिंह जी मीणा सर, उसके बाद में लालचंद जी रहिए। लालचंद जी, एक एन के खेवाड़िया जी हैं कोई करके, एन के खेवाड़िया जी, एन के खेवाड़िया जी पुराने साथी हैं वैसे, इनको भी ले लेंगे। जी जी, एन के खेवाड़िया जी सर, आपका भी स्वागत है। लालचंद जी जुड़ गए, तो लालचंद जी दीजिए ना परिचय। लालचंद जी बोलिए अपना परिचय दीजिए। जी जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, बोलो सर, बोलो। मैं सर लालचंद रेगर जी, वरिष्ठ अध्यापक, राजसमंद में पोस्टेड हूँ जी, और बाबा साहब के विचारधाराओं से जितने भी संघ हैं उनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। बाबा साहब की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बड़ा दुख है कि आज हम हर तरह से सक्षम होते हुए भी बाबा साहब के मिशन पे बैक टू सोसाइटी पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो पा रही है। एक समय था जब बाबा साहब विकट परिस्थितियों में रह करके पूरे देश के अंदर अपना रुतबा उन्होंने जमाया, उसमें वो अकेले ही आदमी थे एक, और आज हम उनके जैसे अच्छे पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे जो अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, जगह जगह हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है, जगह जगह हमारे लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी संगठन हैं वो बहुत कम संख्या के अंदर जो है उनके विरोध में आवाज उठाते हैं। आज कितने ही राजनीतिक दल, इसीलिए इसीलिए लालचंद जी हम लोगों को जुड़ना और जोड़ना है, और इसी मकसद से यानी कि एक तरह से ये वी द पीपल का कॉन्सेप्ट जो है वो काम कर रहा है। अभी इसके बारे में जो है डिटेल में सुधीर राज सिंह जी जो है 9 बजे बताएंगे। जुड़े रहिए सर इसी प्रकार से, और आगे भी यानी कि एक तरह से जो है हम लोग मिलकर इस मुहिम को, इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस मुहिम से जुड़ने के लिए, और आप अपना जो है आप अपना मोबाइल नंबर और अपना जो नाम है वो चैट बॉक्स में आप छोड़ दीजिए सर, ताकि आपसे जो है संपर्क किया जा सके। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, सर एक बिंदु और कहना चाह रहा हूँ सर।
हाँ बोलिए सर, जल्दी से बोलिए सर। सर मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल संक्षेप में। हाँ जल्दी बोलिए सर। आज जितने भी अपने राजनीतिक पार्टियां हैं जी, वो अलग अलग मंच पर अपने अपने बैनर तले काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने वर्ग का एक ही मंच साबित हो राजनीति में जो है अपना। इसका जवाब मिलेगा सर आपको, इसका जवाब वो लालचंद जी, लालचंद जी मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं समझ गया, इसका जवाब मिलेगा अभी 9 बजे आपको जवाब मिलेगा, सुधीर राज जी जो है इसका जवाब देंगे आपको। और आपका जो ये प्रश्न है ना बिल्कुल जायज है और इसके ऊपर जो है डिस्कशन होगा, जरूर डिस्कशन होगा सर। मैं मोतीलाल अकड़निया जी को जो है आमंत्रित करता हूँ। जी सर। मोतीलाल अकड़निया जी आइए सर, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए सर। डॉक्टर साहब उनका हो गया शायद, मोतीलाल जी का, मोतीलाल अकड़निया जी का हो गया। डॉक्टर मान सिंह जी मीणा, डॉक्टर मान सिंह जी मीणा, दुर्गा प्रसाद जी मीणा झुंझुनू से, दुर्गा प्रसाद जी मीणा अपना माइक कन्म्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। दुर्गा प्रसाद जी, अरे दो चार नाम है जो, क्या आवाज नहीं। विजयपाल जी है अलवर से, लेक्चरर हैं। बुलाइए सर, बुलाइए विजयपाल जी सर, आइए और अनम्यूट कीजिए। विजयपाल जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। विजयपाल जी अलवर से, विजयपाल जी आवाज आ रही है क्या सर मेरी? हेलो शिवराम जी हैं, विजयपाल जी साथ में, शिवराम भेजिया जी। शिवराम जी, शिवराम जी आवाज आ रही है क्या मेरी? जी सर आ रही है। हाँ आइए आइए, अपना अनम्यूट कीजिए और फोटो भी दिखाइए, वीडियो अनम्यूट करके और अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी, वेरी गुड सर। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। सर मैं शिवराम जाटव, हेडली अलवर राजस्थान से हूँ। प्रेजेंट में मैं अभी सूरत में रेलवे एम्प्लॉई हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सीखने की आप लोगों के माध्यम से, जिससे कि मैं भविष्य में मेरे बच्चों को और समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं और मैं जब भी टाइम मिलता है, मैं बीदा पीपल से जुड़ा हुआ, करीब सीएल जाटव साहब के माध्यम से मैं जुड़ा था और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं मीटिंग अटेंड करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, और साथियों को जोड़िए सुब्रह्म जी, बहुत अच्छी बात है। और आज मैंने कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। हाँ हाँ, आगे भी करता रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब दशरथ जी करिए कंटिन्यू। और अभी जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। नेक्स्ट जो साथी हैं मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। विजयपाल जी आए थे अभी, विजयपाल जी। हाँ विजयपाल जी आइए, विजयपाल जी आइए सर, आइए। सभी को आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। मैं विजयपाल लेखा अलवर राजस्थान से हूँ सर। जी स्वागत है सर आपका। रोजाना ही जूम मीटिंग से जुड़ता हूँ वीडा पीपल से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं साथियों को प्रयास कर रहा हूँ सभी को जोड़ने, लेकिन थोड़ा सा अभी क्या है इसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ मैं, तो पूरा भरसक प्रयास करेंगे सभी साथी हमारे जुड़ने लगे। मैं कई ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, हमारे जो शिक्षक संबंधित ग्रुप है और लगभग लगभग सभी जिलों से क्या है उनमें साथ जुड़े हुए हैं और मैं उनको लिंक भेजता हूँ, पर प्रयास मतलब कभी सफलता कम मिल रही है। अरे शिक्षक ऐसा बोलेंगे प्रयास नहीं सफल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? शिक्षक नहीं नहीं बिल्कुल, प्रयास आप प्रयास करते रहे जरूर, यानी कि एक तरह सफलता मिलेगी। और बस थोड़ा सा उनको हिंट देना, उसके बाद में अपने आप ही एक बार ज्वाइन होने के बाद में अपने आप जुड़ के चले जाएंगे सर। और इजी में यानी कि एक तरह से ऐसे कोई फोर्स करके लाने की आवश्यकता नहीं, बहुत इजी वे में लोग हैं वो जुड़ रहे हैं और वो आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं जो नेक्स्ट जो साथी हैं मैं
नीरज कोकवाल जी इनका हैंड रेज है। नीरज जी अपना परिचय दीजिए, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और अपनी बात कीजिए। एक ये टेक्नो पोवा के नाम से किसी का ये माइक ये अनम्यूट है और आवाज आ रही है। जय भी बुद्धाय नमः। हाँ जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आ रही है। जय भी बुद्धाय नमः। सर मैं हिंडन तहसील से हूँ और मुझे मनोज जी ने इस ऐप में जोड़ा था और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इसमें मुझे सीखने को बहुत बहुत कुछ मिल रहा है। क्या बैठता है किसी के पास में जी, जी। सर ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। हाँ बहुत सर। तो सर मेरे को इस ऐप में मैं जुड़ा हूँ, मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और काफी लोगों से भी मैं कहता हूँ, अपने समाज के लोगों से, ये इस ऐप में जोड़ और बस इतना ही कहूँगा। जी जी ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैट बॉक्स में, आप अपना जो नंबर और अपना जो है नाम एड्रेस छोड़ दीजिए ताकि आपके साथ में संपर्क है वो किया जा सके। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा शरद कुमार जी आइए। शरद कुमार जी परिचय दीजिए अपना। जय भीम, जय भीम महाबुद्धाय सर। जय भीम, जय भीम। मेरा नाम शरद कुमार कनवाड़िया है, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट में किशनगढ़ ब्लॉक में लालासर गांव से बिलोंग करता हूं। और मैं किस गांव से? लालासर से सर। लालासर से हैं आप? जी 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 जी। और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अस्टेडा में फिजिक्स लेक्चर पोस्ट पे पोस्टेड हूं सर। बहुत स्वागत है सर। मेरा मूल गांव देवागाबाद से है, वैसे आप परिचित होंगे शायद इससे। जी सर परिचित हूं मैं आपसे। जी सर चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल भागचंद जी, आप ही का गाँव अस्टेडा। बिल्कुल सर, मनीषा बहन जी जुड़े हुए, मनीषा बहन जी को बुलाइए दिल्ली से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी दुलारिया सर राजस्थान से। विनोद दुलारिया जी आइए, उसके बाद में मनीषा जी मैडम है उनको फिर उसके बाद में बुलाएंगे। विनोद दुलारिया जी आइए। जय भीम सर। हाँ विनोद जी, जय भीम। हाँ जय भीम सर। वीडियो अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अपना। बोलिए सर अपना परिचय। बोलो बोलो। विनोद जी कोई टेक्निकल एरर है क्या, प्रॉब्लम है तो दूसरे साथी को बुलाएं। मैडम को ले लीजिए, मैडम बता रहे थे ना। मनीषा मैडम आइए दिल्ली से है। ओम प्रकाश जी जिनके बारे में जो बोल रहे हैं, आइए आप मैडम। आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम मनीषा निगम है, मैं दिल्ली तिलक नगर में रहती हूँ और वीदा पीपल के कॉन्सेप्ट से बिल्कुल स्टार्टिंग से जुड़ी हुई हूँ और डेली जूम मीटिंग को मैं अटेंड। ये हमारे बहुत गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हमारी पिता पीपल की जो दो फिजिकल मीटिंग्स हुई हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल रही हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में फिजिकल मीटिंग हुई जिसमें कि करीबन 200-250 लोग 200 लोग के आसपास वहां पर अटेंड हुए थे, आए थे, जो कि बहुत सक्सेसफुल हुई, उम्मीद से ज्यादा लोग। तो ये हमारे लिए एक मतलब पॉइंट है कि जो हमारा जो वीदा पीपल का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक जा रहा है और उसमें हम सभी लोगों का हमारा ये वीदा पीपल की जो टीम है सभी का योगदान है और बाकी जो नए हमारे लोग जुड़ रहे हैं उनका भी योगदान अब आगे होना चाहिए। अगर हमारी आगे कोई भी फिजिकल मीटिंग होती है या अगर किसी भी स्टेट में होती है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होती है तो वहां पर भी इसी तरह से लोग आने चाहिए। वो तभी आएंगे जब हम अपना वीदा पीपल का कॉन्सेप्ट घर घर और गली गली या मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाएंगे। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, जो लोग समझ चुके हैं वो आगे इसको आगे पहुंचाएं और आगे लोगों तक इस कॉन्सेप्ट को पहुंचाने के लिए लोगों से बात करें, उनको डेली जूम मीटिंग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें, समझाएं कि भाई ये वीदा पीपल का कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है, नया है, यूनिक है, जिससे
इसके जैसा अभी तक बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का कॉन्सेप्ट कोई भी लेके नहीं आया जिसमें कि जुड़ने और जोड़ने की बात हुई हो। किसी भी संगठन या संघ ने कोई भी इस तरह की बात नहीं की है कि आम पब्लिक को जोड़ना है, जुड़ना है, उनकी बात सुननी है या उनसे बात करनी है, उनकी परेशानियों का, जो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे बीच में, उन सभी समस्याओं का हल जो है वो ओनली और ओनली वी द पीपल है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी सभी सदस्य यहाँ पर जुड़ते हैं वो डेली एक दो बंदे से डेली बात करें और अपने वी द पीपल का कॉन्सेप्ट को लोगों को समझाएं कि ये क्या है, और उनसे जुड़ने के लिए एक बार रिक्वेस्ट भी करनी पड़े तो वो भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें अपने ये अपने कॉन्सेप्ट को घर घर तक पहुंचाना है। जी, जय भीम। भारती मैडम जी सर। और मुकेश कुमार जी सर का भी एंट्रेज है। भारती मैडम बोलिए। जय भीम आवाज आ रहा है क्या मेरा? जी 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 हाँ जय भीम, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एम्स में हूँ, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, और अभी मैं पालम में रहती हूँ। और मुझे रामकृष्ण जो बौद्ध है उन्होंने मुझे लिंक भेजा है, और अभी आज मेरा फर्स्ट पहली बार जुड़ रही मैडम आप। हेलो, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो जी जी, बोलिए मैडम, बोलिए बोलिए बोलिए। तो आज मैं फर्स्ट टाइम ही जुड़ी हूँ। मुझे आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट है आगे मुझे पता नहीं, आगे से मैं रेगुलर अटेंड करूंगी तो मुझे पता हो जाएगा। जी मैडम बिल्कुल जुड़े रहिए। अभी 9 बजे आपको मैडम सबको संबोधन करेंगे, प्रबोधन देंगे अपनी सुधीराजी सर। मैडम अभी हमारा ना अभी महिलाओं की भी महीने में 3 बार मीटिंग होती है, 10 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख। अभी 30 तारीख आने वाली है और जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और वैसे डेली हमारी मीटिंग 8 बजे से डेली होती है, आप डेली जुड़िए और विदा पीपल का कॉन्सेप्ट को भी अभी आप 9 बजे आप सुनने के लिए तैयार रहिए और डेली आप जुड़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। और मैडम अपना चैट बॉक्स में नंबर जरूर छोड़िएगा, आप मुझे चाहिए। मुकेश कुमार जी जो नए जुड़े हैं वो अपने चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दिए, नाम भी लिख दीजिए और चैट बॉक्स में नंबर भी दीजिए। मुकेश जी बोलो सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। वैसे सभी ग्रुप के मेंबरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वी द पीपल के बारे में मुझे आर के बौद्ध जी ने बताया था जो पालम से हैं। जी सर, जी सर। और उन्होंने 25 तारीख की मीटिंग में इनवाइट किया था और मैं 25 तारीख को अपने 5-7 साथियों के साथ पहुंचा था वहां पे। और मुझे वहां पे आज पहली बार मुझे यहां पे आप लोगों के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। काफी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन नेटवर्क ही था, लेकिन फिर भी मैं जुड़ा और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि पूरे देश के काफी लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली में एक जेजे कॉलोनी है, जैसे पुनर्वास बस्ती होती है ना, इन लोगों को पूरी दिल्ली के झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ के यहाँ बसा देते हैं, उसी तरीके से नरेला विधानसभा है और उसमें होलंबी कला एक मेट्रो विहार जेजे कॉलोनी है जी। हमारे लोगों को यहाँ पे के लोग ना, जो लोकल गांव देहात के लोग हैं, वो ऐसा समझते थे जैसे हम लोग उनके बाप की जागीर है। यहाँ के लोगों को सिर्फ वोट डालने का हक था और यहाँ पे कोई भी यहाँ का अपना जनप्रतिनिधि या अपना कोई पदाधिकारी नहीं बन सकता था, लेकिन हम लोगों ने समाज के लोगों को संगठित किया और समाज के लोगों को संगठित करके पिछले एमसीटी के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा किया था और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत भी गया क्योंकि हम लोगों ने सामूहिक प्रयास किया था और यही कोशिश की थी। हम लोग बाबा साहेब के अनुयायी हैं और रिजर्वेशन का लाभ भी मिला हम लोगों को क्योंकि अपना जनप्रतिनिधि बनाने के लिए उस टाइम पे रिजर्व सीट थी, लेकिन बाबा साहब ने जिस तरीके से बोला था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। हमारी जो कैंडिडेट थी पीएचडी होल्डर है और उसको हम लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया, लेकिन लालच और स्वार्थवश पहले तो वो आम आदमी पार्टी में चलेगी। चलो भाई कोई बात नहीं, समाज के काम करवाना है, तुम्हारी आवाज अकेले की नहीं सुन सकते, तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा दी संगठन के और हमारे जो लोग थे उन्होंने उसको साथ समर्थन देके आम आदमी में ज्वाइन करा दिया। क्षेत्र में विकास भी काम शुरू हो गए, लेकिन अभी पिछला जो इलेक्शन गया था उसमें उसने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। सर हमें इतना दिल से दुख और धक्का लगा कि बस पूछो मत, आज समाज में कोई काम नहीं हो रहा है और वो दिल्ली में हमारे पूरे नॉर्थ जोन की डिप्टी चेयरपर्सन यानी महापौर बनी हुई है, तो हम समाज के लोगों को कैसे ये कहें, विश्वास दिलाएं
कि भाई हम सामाजिक लोग हैं, समाज की बात करते हैं। तो हमने एक छोटा सा इसीलिए देखिए सर मुकेश जी ऐसा है, सामाजिक रूप से जब तक हम लोग आपस में जुड़ेंगे नहीं ना, जुड़ेंगे नहीं बिल्कुल, तब तब तक हमारे जो नेता है वो दिखते रहेंगे। पहले समाज को टिकाऊ बनना है ना, अगर समाज टिकाऊ बन गया तो नेता बिकाऊ नहीं बनेगा। और यही यानी कि एक तरह से इस कॉन्सेप्ट का जो है ना मूल ध्येय है, इसकी जो थीम है वो यही है। तो आप जुड़े रहिए और आपको जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में अभी 5 मिनट बाद में जो है वो जानकारी मिलेगी। और भी साथी हैं उनका भी परिचय ले लेते हैं। विनोद जी बुलाइए, वो ले लीजिए सर। विनोद जी बोलो, आप अपना आप अपना परिचय जो है वो दे दीजिए, उसमें चैट बॉक्स में आप अपना नाम और नंबर डाल दीजिए। इसी कड़ी में विनोद दुलारिया जी जल्दी आइए सर और अपना परिचय दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए सर। तो जी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। बोलो जय भीम सर। हाँ जय भीम सर, विनोद दुलारिया सांबर से, सीनियर टीचर सर यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांबर में। और हम यहाँ बी आर अम्बेडकर चिकित्सा समिति के नाम से एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, और जो भी हमारे ऐसी ऐसी समुदाय से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको हम ज्ञापन के माध्यम से और धरना प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा हमारी तक हम अपनी जो बात है पहुंचाते हैं। जी बहुत बहुत बढ़िया विनोद जी, आप राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के साथ में भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो है आपके लोकल जो संगठन है उससे भी आप जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा है, और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए सर। वी द पीपल के साथ में भी आप जुड़िए, और आगे भी यानी कि एक तरह से अपने और भी जो भी साथी हैं उनको भी जोड़ना है। आप अपना नाम और अपना जो है एड्रेस और मोबाइल नंबर है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और डेली हमारी 8 बजे मीटिंग होती है, अन्य साथियों के साथ में जुड़े सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट जो है मैं डॉक्टर मान सिंह जी ओम प्रकाश जी को ले लो। ओम प्रकाश जी को भी ले रहा हूँ। डॉक्टर मान सिंह जी मीणा अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो पहले आप सर अपना परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद में ओम प्रकाश जी तैयार रहिए। जुड़ गए मान सिंह जी सर, आ गए। वेलकम सर मान सिंह जी। मान सिंह जी कभी आप माइक को अनम्यूट कर देते हैं? आपका माइक जो है वो अनम्यूट कीजिए सर। आप ये जो है ना आपने ये जो ये ईयरफोन लगा रखा है इसको हटा दीजिए सर, फिर आपकी आवाज आएगी प्रॉपर। हाँ ये हटा दीजिए सर, आप आवाज आ रही है सर आपकी। बोलो सर। हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल, अब प्रॉपर आवाज आ रही है सर आपकी। अरे सर मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? तो मैं डॉक्टर मान सिंह बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, बोलिए सर। से और हायर एजुकेशन से रिटायर पढ़ता हूँ जी सर। बी द पीपल में पिछले 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार आपको सुनता भी रहता हूँ। जी सर, जी सर बिल्कुल सर। चलो आवाज आ गई तो बाद में बात करते हैं। आप तो मुझे कुछ समय नहीं दे रहा कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, नहीं आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी, आप बोल सकते हैं। तो बी द पीपल से जुड़ना बहुत हुई क्योंकि इसमें काफी कुछ अपनी विशेषता है, व्यक्ति विशेष को कोई वर्चस्व इसमें, सभी को समानता का अवसर बी द पीपल में मिलता है, संविधान को अपना नेता स्वीकार करता है, वहीं वैचारिक रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से स्वार्थपरता से ऊपर उठकर संघ से जुड़ना जोड़ना वर्तमान की जरूरत है, वहीं भविष्य निर्माण का एक बेहतरीन प्लान भी बी द पीपल में नजर आ रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जुड़े रहिए सर, और भी अपने जो साथी हैं उनके साथ में। जी सर बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में जो
मैं बुलाना चाहूंगा चेक करवा ले रहा है जी मीणा चेक करवा के देख ले रहा है दुर्गा प्रसाद जी मीणा कुछ साथी बीच में बोल रहे हैं वो प्लीज जो है अपना माइक है वो अनम्यूट कर लीजिए या एक बार मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं जी दुर्गा प्रसाद मीणा जी है वो यदि प्रेजेंट है तो अपना परिचय है वो दें दुर्गा प्रसाद जी नहीं है डॉक्टर राजकुमार जी हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अपना परिचय दीजिए जोधाराम जी रिटायर्ड डीओ हो गया उनका एक नादान सिंह जुड़े हैं राजस्थान से हैं नादान सिंह नादान सिंह जी आइए सर जय भीम नमो बुद्धाय जय मूल निवासी जय समाधान सभी सम्मानित बुद्धिजीवी साथियों को और मैं बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ लगभग ये 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है 1.5 महीने से क्या 2 महीने होने वाला है लगभग जी पीपल से जुड़े हुए और काफी कुछ आप जैसे बुद्धिजीवी साथियों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है नया नया एक्सपीरियंस और जो अनुभवी लोग हैं उनके द्वारा जो अपना अनुभव शेयर करते हैं और जो बाबा साहब या फिर हमारे जो मूल निवासी बहुजन महापुरुष हुए हैं उनके बारे में भी उनका जो लिटरेचर है उनका साहित्य है उसके बारे में भी बहुत डीपली जानकारी मिलती है अपनी जो मूल निवासी मूल जो संस्कृति है समण संस्कृति उसकी भी हमें बहुत बारीकी सी भी जानकारी देते हैं सुधीर राज सर जैसे बुद्धिजीवी तो हमें इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर बहुत अच्छा लगा है कि हम कर रहे हैं कि हम जुड़े हैं और जी बहुत लोगों बहुत बढ़िया बहुत नादान सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े हुए हैं पहले से ही और राजस्थान की इस विशेष जो आज की जो मीटिंग है राजस्थान दिल्ली और जो हरियाणा के जो साथी हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर धन्यवाद सर मैं इसी कड़ी में 2-3 लोगों को अभी फास्टली ले लेता हूं इनमें एक आर के बोध जी हैं जिन्होंने हैंडरेज किया है सर अपना परिचय दीजिए माइक को अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए सर आर के बोध जी हेलो हेलो हाँ जी बोलिए सर हाँ जय भीम नमोद्धार अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर हाँ जी सर हाँ जी जी बोलिए बोलिए सर दिल्ली से हूँ सर और पीता पीपल से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और काफी लोगों को जोड़ चुका हूँ आज भी मेरे पास थोड़े से जो पार्टी है उन्होंने भी किया है और पार्टी वालों ने किया उन्होंने किया है पालम किए हैं सर आपका मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो जो है आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और शायद आपके नेटवर्क का इश्यू है तो थोड़ी देर बाद में थोड़ा सा आपसे वापस दोबारा संपर्क करते हैं सर क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है या तो आप अपना वीडियो है ना वो इसको बंद कर लीजिए ताकि आपकी आवाज आती रहे वीडियो बंद कर लीजिए अब आवाज आ रही है मैंने लीड निकाल दिया मैंने लीड लगी हुई थी पहले अब आ रही है थोड़ी बहुत पहले से ठीक आ रही जी अच्छा अच्छा तो सर ये मैंने जो एक जुगेश कुमार जी हैं जो दिल्ली जहेड़ा से हैं कमल किशोर गौतम आरपीएम फ्रॉम से हैं जी और सर रणसिंह जी ये द्वारका से हैं इनका भी परिचय ले लेते हैं सर बिल्कुल परिचय ले लेते हैं बच्चा करा लिया जाए तो अच्छा रहेगा बिल्कुल बिल्कुल एक तो क्या जुगराज जी बताया नाम बुला लीजिए आप उनको बुला लीजिए नाम जुगेश कुमार जुगेश कुमार जी आइए अपना परिचय दीजिए आप अपना परिचय दीजिए जी सर जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम नमो बुद्धाय सर आ रही सर ठीक से हाँ आ रही है सर आ रही सर मैं भारतीय समाज निर्माण संघ में था जो हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आर के बोस हाँ बिल्कुल है साहब इन्होंने ही मुझे उठा और राजेंद्र पाल गौतम जी के यहाँ पे मैं गया था जी मुझे बहुत अच्छा लगा
साथी भी मिल गए, हमने मिलजुल करके 25 साल से काम कर रहे हैं जी संगठन में, तो बहुत अच्छा। ये जो काम है असली काम ही यही है जो बाबा साहब चाहते थे, ये असली काम हमारे महापुरुषों पूरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो बहुत खुशी हो रही है सर इससे। और चलिए स्वागत है सर, जुड़े रहिए आप हमारे साथ में, और चैट बॉक्स में आप अपना नाम और अपना जो है एड्रेस पता है वो डाल दीजिए, आपके साथ में जो है हमारी टीम है वो संपर्क करेगी, और डेली हमारी जो है ये 8 बजे जो है मीटिंग होती है, तो डेली आप जुड़िए सर, और इसी प्रकार से नए साथियों को भी जोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके अलावा गौर साहब दूसरे साथी और कौन है? ब्रिज नंदन प्रसाद है वेस्ट बंगाल से, एक मिनट लेने प्लीज। जी बुला लीजिए सर, उनको भी बुला लीजिए, थोड़ा आप कॉल कर ले प्लीज। ब्रिज नंदन प्रसाद वंडेल से वेस्ट बंगाल। नहीं, आर के बोझ जी ने अभी नाम लिए थे, पहले उनको बुलाइए सर वो। हाँ सर, कमल किशोर गौतम। कमल किशोर गौतम जी आइए पहले। कमल किशोर गौतम जी आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक है अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, और अपनी जो बात है वो कहिए सर, अपना परिचय दीजिए। ये नहीं है तो फिर रणसिंह जी हैं द्वारका से, वो दिल्ली से हैं। रणसिंह जी आप अपना परिचय दीजिए। रणसिंह जी बहुत साहब मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी सुन नहीं पा रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे। थोड़ा सा हट गया था, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। सर रण सिंह बोल रहा हूँ, मैं द्वारका में रहता हूँ, आर के बोध साहब ने मेरे को जोड़ा था। और वीडियो ऑन करिए, अपना वीडियो ऑन करिए सर जी। और लगभग सर एक महीना हो गया मेरे को जुड़े हुए जी। स्वागत है आपका। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, मैं कई जगह काम कर चुका हूँ, फोर्स में भी काम कर चुका हूँ। हाँ, मैं डिप्टी कमांडेंट था, और अभी मैं बैंक में हूँ, यहाँ मेरठ में, बैंक ऑफ बड़ौदा का सिक्योरिटी हेड। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, वेलकम। तो मैं देख रहा था कि सर हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए फोर्स से आने के बाद कि जहाँ हम अपने लोगों से जुड़ सके और अपने लोगों को अपने साथ जोड़ सके, और जो मैसेज हमने आप लोगों से या अपने पढ़ाई के दौरान जो बाबा साहब के, ज्योतिबा फुले के या भगवान बुद्ध के हमें जानकारी है या सुने हैं, वो शेयर करके एक दूसरे को हम मोमेंटम दे सकें एक मिशन के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, जो प्लेटफॉर्म बोध साहब के द्वारा वी द पीपल का हमें मिला, रियली बहुत ही फ्रूटफुल है। और इस संबंध में मैं अपने यहाँ मेरठ में 2-3 साथियों से मीटिंग भी कर चुका हूँ। और जो भी साथी आज पहली बार जुड़े हैं, कि अभी तक केवल जो है नाम पूछा जा रहा है, परिचय हो दिया जा रहा है, परिचय जो है वो दे रहे हैं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है क्या, तो शायद जिन जो भी आज पहली बार जो नए साथी जुड़े हैं उन सबकी क्वेरी है वो पूरी हो गई है। और अब चूंकि जुड़ने और जोड़ने की इसी प्रक्रिया के तहत जो अन्य साथी जिनका भी परिचय नहीं हो पाया था, मैं वन बाय वन उनको मैं बुला रहा हूँ। केसर जी मनोहर जो कि राजस्थान से है, जयपुर जिले से है, राजसमंद उनकी ड्यूटी है। केसर मनोहर जी यदि है, माइक खोले सर, मैं म्यूट कर रहा हूँ, सब अपने माइक खोले ना, माइक खोल लीजिए सारे अपने। जी सर, जी सर। तो केसर मनोहर जी यदि प्रेजेंट है तो अपना माइक जो है वो आप अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। बहुत ही शानदार तरीके से जो है सुधीर राज जी सर ने वी द पीपल का जो कॉन्सेप्ट है इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो भी साथी
आज पहली बार जुड़े हैं कि अभी केवल परिचय की श्रृंखला चल रही थी और ये जो है इसके मूल में क्या था तो ये जानकारी है वो होगी। तो ये सर मनोहर जी नहीं है तो मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूँ राजकुमार जी फ्रॉम झुंझुनू। राजकुमार जी है झुंझुनू राजस्थान से, अपना माइक है वो अनम्यूट कीजिए और अपना वीडियो ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय जय जय भीम एवरीवन। नमो बुद्धाय जय जय भीम। सबकी कुशल मंगल कामना करता हूँ। साथी सुधीर राज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से पार्टिसिपेट किया और ग्रुप के सिद्धांत और संविधान के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी परिप्रेक्ष्य में साथी से निवेदन करना चाहूंगा, साथी लालचंद जी ने कोई बात कह दी और उस वायरस को लेकर के आप उनके संबंध में चर्चा करने में कुछ समय व्यतीत करते हैं, इसका मतलब वह वायरस बाहर नहीं निकलता। डोंट माइंड बी हैप्पी, कम टू द पॉइंट। राजकुमार सीनियर असिस्टेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट झुंझुनू। साथियों निवेदन करना चाहूंगा, सुधीर राज जी ने काफी कुछ कहा, बहुत सुंदर बात, उस संबंध में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहने की आवश्यकता है पूरा मामला जो अब तक सुधीर राज जी ने लालचंद जी को लेकर वगैरह वगैरह किया, पीछे दो लाइन खिदमत मामला। सैर कर दुनिया की गाफिल फिर जिंदगानी कहां, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगी कहां, जिंदगी फिर भी रही तो नौजवानी कहां, जिंदगी फिर भी रही तो नौजवानी कहां। लालचंद जी जैसे वायरस आप साथियों को देते रहते हैं, उनके लिए नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, इतनी फिक्र है तो हमारे होते क्यों नहीं, इतनी फिक्र है तो हमारे होते क्यों नहीं। साथियों बाबा साहब ने जो मिशन खड़ा किया वो कोई अपने आप के अपने परिवार की बपोती के लिए खड़ा नहीं किया। वसुधैव कुटुंबकम के कथन को सार्थक करते हैं तो भगवान बुद्ध और बाबा साहब एकदम प्रामाणिक रूप से उसको सार्थक करते हैं। इस संबंध में काम करने वाले सारे मिशन सही हैं। तत्पश्चात इस प्रकार के मिशन में बाबा साहेब का और बुद्धत्व का नाम लेकर जो आडंबर समाज में व्याप्त हुआ है वह वाकई बड़ा चिंतनीय है। ग्रुप की गतिविधि जो है, जुड़ो संगठित रहो, इस संबंध में संघे शक्ति कलयुगे, एक ही लाइन कहता हूँ, बाकी समय बाकी साथी और भी हैं उनको सुनना पसंद करूंगा। संघे शक्ति कलयुगे, साथियों आप अगर बहुत सारे लोग किसी एक ग्रुप में नियमित रूप से गतिविधि करते हो, सुधीर राज जी ने साथी ने बताया कि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही दिशा में जाने लगते हैं तो लोगों की नजर होती है, लोग देखते हैं कि यार ये इस तरफ रोजाना जाते हैं, करते क्या है, चलकर देखते हैं और वहां जाकर जब उनको श्रेष्ठता मिलती है। बिल्कुल अभी अपने बात को विराम देने से पहले इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अम्बेडकराइट संगठन है वो है सब एक ही एम लेकर, जैसा सुधीर राज जी ने बताया कि एम उनका सबका एक ही है, वे भले उनके अलग अलग है। आप साथियों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप सब साथी पुराने, इसमें मैं तो नया हूँ और इस ग्रुप में हर मीटिंग में रहता हूँ, सारी मीटिंगें सुनता रहता हूँ, बाय चांस कोई मीटिंग मिस होती है तो होती रहती है। डॉक्टर साहब दशरथ जी हुनुनिया के आग्रह पर मैं आप लोगों से जुड़ा और मेरे विचार भी लालचंद जी जैसे ही थे कि सर्वत्र आडम्बरम व्याप्तम, हर तरफ आडम्बर ही आडम्बर व्याप्त है। अम्बेडकर जी और बुद्ध का नाम लोग अपने लाभ के लिए लेते हैं, वो चाहे राजनीतिक लाभ हो चाहे सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनाए रखने का लाभ हो। सब डॉक्टर साहब ने अवगत कराया, नहीं बोस ऐसा नहीं है, आप तो सही वस्तु तक नहीं पहुंचे या सही वस्तु आप तक नहीं पहुंची, चलिए मैं आपको सही वस्तु से परिचय करवाता हूँ। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह मुझे तो उचित ही लगा और मेरे से ज्यादा बुद्धिमान साथी बैठे हैं,
मैंने तो एक ही बात देखी, पारिवारिक सब अम्बेडकरिज्म, सब अम्बेडकराइट, अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी, अब तक का जो 80 साल का मिशन था उसकी जो गालमेल थी उसको भूते हुए, जैसे सुधीर राज जी ने कहा, फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। और सुपंथ क्या है, जितने भी वर्तमान में अम्बेडकराइट संगठन चल रहे हैं उनमें से किसी एक का सर्वश्रेष्ठ चुनाव करो, सामाजिक क्षेत्र में और पॉलिटिकल क्षेत्र में, क्योंकि सत्ता राजकुमार जी बिना परिवर्तन संभव। बिल्कुल अपने शब्दों को विराम देता हूँ और देश पुनः मिलने तक नमो बुद्धाय, जय जय भीम। इनके बाद में ग्वालियर से है आर आर सुमन, उनको ले लेना। जी बिल्कुल ले लेंगे सर, ले लेंगे। दिनेश जी आइए। सर मेरी आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है। सर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। फोटो दिखाएं सर, वीडियो ऑन कीजिए। अब ये सर मुझे आईडिया नहीं बैठ रहा, कैसे करूं मैं? चलिए सर अपना परिचय, सर मनोज जी बोल रहे हैं क्या? परिचय दे दीजिए। चलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो। हाँ केसर जी बोलिए। सर सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। हाँ नमो बुद्धाय, जय भीम। सर मैं केसर मनोहर, वरिष्ठ अध्यापक, कुंभलगढ़ ब्लॉक, जिला राजसमंद। जी स्वागत है सर आपका। राजस्थान शिक्षण। हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। जी सर बिल्कुल। सर सर डॉक्टर दशरथ कुमार जी मोहिया साहब मेरे अच्छे मित्र है, और इनके आशीर्वाद से, इनकी प्रेरणा से मेरा बड़ा बेटा आज लोको पायलट है, और आज मैं पहली बार जुड़ा हूँ सर। जी स्वागत है बिल्कुल सर। और इसका श्रेय डॉक्टर दशरथ कुमार जी सिंह मोहिया साहब को और बादशाह जी सिमरिया साहब को जाता है। मैंने कई बार विचार किया था मैं जुड़ूंगा, लेकिन मैं सर माफ करना थोड़ा मोबाइल में और कंप्यूटर के मामले में थोड़ा कमी जानता हूँ। हेलो। इसलिए आप इसको थोड़ा अन्यथा नहीं ले। और अभी मैंने कई बार विचार किया था मैं जुड़ूंगा, और सर ये आपका अभी जो एक सर बोल रहे थे बहुत ही अच्छा बोला हूँ, मैं तो उनका फैन हो गया। आप सभी का फैन हूँ मैं। राजकुमार जी, राजकुमार जी, राजीराज जी, राजीराज जी और राजकुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल वो छा गए हैं। और अब तो मुझे यूँ लगता है कि यार मैं इतने दिन क्यों लापरवाही करता था। और अभी बाकी जी पिंगोलिया साहब ने कहा था कि नहीं यार आपको ऐसा ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे जुड़ना है, इस प्रकार से मैं जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे। काफी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए, अपना जो है नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस में चैट बॉक्स में डाल दीजिए। डेली अपनी जो मीटिंग है 8 बजे होती है, सभी साथियों को अवगत करवाना चाह रहा हूँ, जरूर जुड़े सर। और भी नहीं 8 बजे से कितने बजे तक होता है सर? 8 बजे से 12 बजे से कितने बजे तक? 12 बजे तक। जी सर बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल ठीक है सर। तो सर जी कुछ लोग दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल सर, ले रहे हैं। हाँ आप उनको एक एक सचिन जी है, सचिन जी है, एक तो सचिन जी है, सचिन है, सचिन जी आए। जो भी साथी अभी जो नाम लिया है वो अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपना माइक जो है अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करके अपना परिचय दें। सचिन जी हैं, दिनेश जी हैं, अवध कुमार जी हैं, मंजू जी हैं, जो भी हैं आए, एक एक करके आए, वन बाय वन। बन सभी को जय भीम नमो बुद्धाय।
और सर एक्चुअली मैं प्रोग्राम कल नहीं सुन पाया था, तो मुझे सर एक जी थोड़ा सा जल्दी से अपना परिचय दे दीजिए, फास्टली दीजिए, और भी साथ में बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं उनका भी परिचय। राम जी सर पहली बार जुड़े हैं भीम राजस्थान से, राजस्थान से उनका लीजिए ना। हाँ लेते हैं सर, लेते हैं सर। जय भीम जी, दे दीजिए परिचय दीजिए। जी मैं उदयराम यहाँ सीनियर टीचर हूँ, मिडिल एच एम हूँ सर जी, और राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर में उदयपुर मंडल से उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, 2 साल काम किया मैंने और अभी भी कर ही रहा हूँ। जय भीम बचपन से ही है जो हम बाबा साहब के विचारों को फैलाने में और उनसे समस्याग्रस्त अपने छुआछूत वगैरह के समस्याग्रस्त लोगों के साथ हम गांव-गांव जाकर के उनकी समस्याओं की बात रखी, केस दायर कराए और उन्हें बाबा साहब के विचारों से और संविधान को अपनाने की बात उन्होंने कही और संघर्ष करने की भावना हमने उनमें जागृत की और उसका नतीजा है कि आज हमारे भीम राजसमंद में है जो काफी कम हुआ ये उसका विचार। तो जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका फैन है सर बचपन से ही। उदयराम जी जय भीम जी, मैं दूसरी तीसरी बार मीटिंग अटेंड की है मैंने, विचार इस बार पहली बार ही किया है जी। बागचंद जी से काफी 2-4 बार जयपुर मिला हुआ हूँ। चलिए शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी नए साथी को जुड़े हैं दिल्ली राजस्थान से, उनका परिचय करा दीजिए। एक मिनट बागचंद जी, जो दिल्ली से जो 4 साथी थे उनमें 3 एक का परिचय हुआ था, दो 3 साथी हैं, जल्दी से अपना 1 by 1 परिचय दे दीजिए अगर वो हैं तो, अन्यथा ओम प्रकाश जी ने हैंड रेज किया हुआ है। ओम प्रकाश जी, यदि कोई आपका साथी है तो पहले उसको बुला लीजिए आप। मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूँ, सोनिया जी को बुलाइए सर। सोनिया जी आइए जल्दी से। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, जय भीम नमोबुद्धाय। हाँ जय भीम नमोबुद्धाय, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए मैडम। ओम प्रकाश जी आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए मैडम बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी सर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली सिविल डिफेंस में जॉब करती हूँ, मेरा नाम सोनिया है। हाँ जी, मेरे को ओम प्रकाश भैया ने इस मीटिंग के बारे में बताया कि अलग अलग जगह से अलग अलग सदस्य जुड़ते हैं इस मीटिंग के में, और आप भी अपनी बातें जो है वो रखना चाहते हैं, और मैं बाबा साहब की बहुत बड़ी मानने वाली हूँ और मेरे पापा भी बहुत बड़े इनके ही बौद्धिस्ट वो थे। जी जी मैडम, जी मैडम स्वागत है मैडम आपका आज के इस विद द पीपल के इस जो है इसमें मीटिंग में, और हर रोजाना जो है डेली ये 8 बजे अपनी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो आप बिल्कुल इसी प्रकार से हमेशा जुड़े और लोगों को जोड़े, और इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानकारी है वो हो ही गई है, तो बिल्कुल आप अपना नाम महिला स्पेशल नंबर होता है मैडम एक दिन वो, और 10 तारीख 20 तारीख और 30 10, 20 और 30 तारीख को जो है महिलाओं की विशेष मीटिंग चलती है, तो आप उसमें भी यानी कि एक तरह से जरूर जुड़े अपना नाम और हाँ 10, 20, 30 तारीख को। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। इसके अलावा ओम प्रकाश जी कोई और कोई साथी हो तो उनको जो है आप जल्दी से बुला लीजिए। हाँ सर, विनोद भारती जी को बुलाइए जरा, विनोद भारती उत्तराखंड से। विनोद भारती जी आइए। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मेरा नाम आपने लिया, किसी सर ने उन्होंने बोल दिया। जय भीम सर। कोई बात नहीं सर, आप बोलिए, आइए विनोद भारती जी। मेरा नाम विनोद भारती, मैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से हूँ, और इस मीटिंग के बारे में मुझे आज ही पता लगा है। आदर्श सभा एक ग्रुप था, उस ग्रुप में मैसेज आया है, उसके थ्रू मैं जुड़ा हूँ आज। चलिए ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना मोबाइल नंबर और अपना जो है आपने अपना नाम उसमें छोड़ दीजिए ताकि आगे से आपसे जो है संपर्क किया जा सके सर। धन्यवाद सर, और साथियों को भी फास्ट ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी और कोई साथी है तो बोलिए सर, जल्दी बोलिए फटाफट। राकेश कुमार जी जुड़े हुए हैं सर जयपुर से। क्या नाम है? ओनली राकेश कुमार जी। राकेश जी जयपुर से हैं, आप आइए राजस्थान की आज की मीटिंग में, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद
शशि सियाल जी अपना माइक है वो म्यूट कीजिए। जय भीम सर जी। हाँ जय भीम। सभी को, हाँ सभी को मेरी तरफ से नमो बधाई। हाँ नमो बधाई। हाँ मैं जम्मू कश्मीर से हूँ सर जी। मैं बहुत दिन से मीटिंग सुन रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जुड़ रहा हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप जो है जी प्राइवेट काम करते हैं, मजदूर हैं, ऐसे ही टाइम हो जाता है, लास्ट में लेट आते हैं, इसलिए थोड़ा देर से ज्वाइन हो पाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि ज्वाइन हूं। वेरी गुड सर जी, आप जुड़े कम जैसे भी हैं, आप जैसे लोगों का जो है वो जुड़ना बहुत जरूरी है और लोगों का यूनाइट होना बहुत जरूरी है। अपना और मैं कोशिश कर रहा हूँ जम्मू के सभी लोगों तक पहुँचाऊँ, इसके बारे में सभी को बोलूँ और मैं कर भी रहा हूँ धीरे धीरे। देखो दो दिनों के बाद शायद लोग ज्यादा लोग जुड़ेंगे जम्मू कश्मीर। वेरी गुड वेरी गुड जी जी जी। अगले जो साथी हैं भागसन जी बताइए नाम। सर एक राकेश केवल जी को ले लीजिए। आइए राकेश जी। राजस्थान से कोई भी साथी जो नए जुड़े हैं जिनका परिचय नहीं हुआ है, दिल्ली से जो सुरेश जी आइए, वो सभी परिचय दीजिए अपना अपना। सुरेश चंद जी। सर जय भीम। सर जय भीम। नवाबुद्दाई। जय संविधान। उत्तरकाशी से हैं सर, उत्तरकाशी उत्तराखंड से राकेश केवल जी। जय भीम सर। जय भीम सर। सुरेश जी जय भीम। हाय सर, परिचय दीजिए सर अपना। जी सर मैं थोड़ा सा पहले एक मिनट के लिए अपनी राय दूंगा, परिचय तो मैं बाद में दे ही दूंगा कि जब इतने सारे जैसे लोग हैं ना और जैसे परिचय ले रहे हैं तो जब कोई परिचय देते समय कुछ थोड़ा एक दो मिनट अपनी बात बोलना चाह रहा है तो आप लोग उसे रोक दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं। अगर कोई दो मिनट के लिए टाइम जब आप उसको दे ही रहे हो तो जरूरी नहीं कि बाद में आप उसको मौका देंगे ही देंगे, तो वो जो बोल रहा है कुछ तो उसको सुन, अदरवाइज परिचय के मत दो। फिर हमें सुनना, हम सुनने के बड़े शौकीन, हम आप लोगों को सुन लेंगे। और जैसे अभी राजस्थान से एक जो बुजुर्ग थे जुड़े हुए जो पहले शर्ट नहीं पहने हुए थे, वो बोलना भी चाह रहे थे, आप लोगों ने बीच में उनको रोक दिया, तो ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वास्तव में अगर जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है ना कि वी पीपल ऑफ इंडिया, तो अगर वास्तव में जोड़ना तो की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, सबको आपको सुनना पड़ेगा, दो मिनट तीन मिनट चार मिनट, बस इतना सा मुझे कहना था। और दूसरी बात परिचय की बात है, मैं आज दूसरी बार जुड़ रहा हूँ और हमारे बड़े भाई साहब सुरेश चंद जी हैं, ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में और बहुत सारे लोगों को ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं राकेश कुमार केवल, मैं उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद से हूँ और मैं सरकारी शिक्षक हूँ, और बाकी बाबा साहेब के मिशन से मैं नाइन्थ से मैं जब पढ़ता था मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। उत्तरकाशी में एक हिमालय अम्बेडकर सेवा समिति करके हमारी एक संस्था चलती है, उस संस्था का मैं इस समय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और जैसे कि मैंने सुरेश जी को पहले भी बताया था कि हमारी मुहिम बहुत पहले से चल रही है और मेरा व्यक्तिगत एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है जिसमें 257 लोग मैंने अपने साथ जोड़ रखे हैं, तो मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ, तो निश्चित है कि ये मैसेज फिर आगे जाएगा, कल या परसों या सप्ताह भर के अंदर आपके साथ उत्तरकाशी से ही 257 लोग और जुड़ेंगे। लेकिन ये विशेष निवेदन है कि जब आप किसी को टाइम दे रहे हैं तो सुने आप जरूर उसको, जब तक वो चुप ना हो जाता हो बंदा, भाई इधर निवेदन है आप लोगों से इसका, बाकी आपकी इच्छा है मानना ना मानना आपका काम है। जय भीम जी। आपका जो है सुझाव स्वागत योग्य है, लेकिन कुछ जो है कई बार सीमाओं को ध्यान में रखते हुए भी बाकी और साथी कोई छूट ना जाए, इसलिए जो है सभी का यह प्रयास रहता है कि एक बार सभी को जो है अवसर मिले, कम से कम वो अपना परिचय तो दे सके, जो भी है उनको ये भी प्रयास रहता है कि संक्षिप्त में अपनी जो बात है वो रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके सुझाव के लिए, अच्छा सुझाव है। भागसन जी और कोई साथी है तो बोलिए। वीवो 1994 नाम से है सर एक, और एक सुरेश जी जाटोलिया हमारे पुराने साथी है, उन्होंने हम सुरेश जाटोलिया जी और वीवो के जो वो भी परिचय दे अपना नंबर वाले हैं वो आइए। सर अभी एक मिनट पहले एक महिला जो बोल रही थी उनका फोन नंबर चैट बॉक्स में नहीं डाला गया है, और भारती जी पहले बोली थी एम्स से, उन्होंने भी नंबर नहीं डाला था, क्या मुझे इन दोनों का नंबर मिल सकता है, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए मैडम। जो भी जो अभी मैडम बोल रही है मनीषा निगम मैडम, कुछ जो है हमारी महिला टीम की सदस्य थी जिन्होंने अपना परिचय दिया था, यदि वो अभी इसमें मीटिंग में है तो एक बार चैट बॉक्स में अपने नाम और एड्रेस के साथ में अपने मोबाइल नंबर आप जरूर हैं वो इसमें एक बार छोड़ दीजिए,
ताकि हमारी टीम है वो आपको जो है कॉन्टेक्ट कर सके और आगे आने वाले जो प्रोग्राम और जो है उसके बारे में आप लोगों को अवगत करवाया जा सके। जय सिंह चिरंजी जी का परिचय हैंड रेज है सर। जी सर, जय सिंह चिरंजी। जय सिंह जी आइए, उसके बाद में कुलदीप जी का आएगा नंबर और अवध कुमार जी का तो नंबर आ चुका था। जय सिंह चिरंजी, जय सिंह जी बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए आप। जय सिंह जी माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ यस सब बोलो। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। जय भीम, मैं चेन्नई से हूँ, राजस्थान से हूँ, बेसिकली गंगापुर सिटी पास में मेरा गांव। मैं रेलवे में भी चेन्नई तमिलनाडु में हूँ, जॉब करता हूँ भी। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे सम्मानित साथी ने मुझे जोड़ा था, पता नहीं नाम, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन मैं एक ग्रुप चलाता हूँ पॉजिटिव यूथ के नाम से। मैं करीब 3 साल हो गए ग्रुप को चलाते हुए, तो मुझे अभी जोड़ा है किसी ने, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और जिस उस सम्मानित साथी का जिसने मुझे जोड़ा है। तो मैं पूरे समाज के लिए, पूरे मूल निवासियों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ पहले से ही, और बाबा साहब की, पूरे पेरियार की, सबकी भावनाओं की कदर करते हुए समाज के लिए, समाज में अच्छे अच्छे मैसेज छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितने भी साथी हैं जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत। और बस अभी आज मेरी पहली मीटिंग थी, तो धन्यवाद। जय सिंह जी। जय सिंह, यस सर, ये आप रेलवे में हो ना, नंबर छोड़ देना चैट बॉक्स में जरा। हाँ छोड़ दिया जी, छोड़ दिया सर, रेलवे वालों को नहीं छोड़ते चुटन जी। कुलदीप सिंह जी और उसके बाद में राजेश गुजर जी। एक विनोद जी खंगनवाल है, वो भी तैयार हैं। अशोक कुमार जी, हाँ जी जी जी, जिनका नाम लिया है। एक मिनट सर लेते हैं। कुलदीप सिंह जी परिचय सर आप। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाय सर जी। जय भीम नमो बुद्धाय जी, आप बनियानवे आ गए। आप अपना माइक वीडियो है वो जो है ऑफ कर लीजिए, बोलिए। तो जी शर्ट पहन क्या है, कोई बात नहीं, आप हो गया। मैं थोड़ी देर तक करता हूँ सर, एक बार प्रोसीड करो। आपने का क्या बात है, अगर प्रिंसिपल भी ये हाल करेगा तो बाकी बच्चों का क्या हाल होगा? महाराष्ट्र पुणे से कोई है क्या, पूछे जाना। नेक्स्ट इस कड़ी में जो है अभी आर के बोध जी जो है वो नाम बोल रहे थे। आर के बोध साहब जो है आपकी कोई साथी हैं तो जरा उनको बुला लीजिए। ग्वालियर से आर आर सुमन जी हैं जी। आर आर सुमन जी ग्वालियर से, आप अपना आर आर सुमन जी, हाँ अपना परिचय दीजिए सर। सर जय भीम नमो बुद्धाय, इंजीनियर आर आर सुमन जी सर, सहायक यंत्री ग्रामीण यात्री की सेवा मध्य प्रदेश में। और अभी मैं, मेरी सुनने की आदत ज्यादा है, मैं बोलता कम हूँ। अभी सुधीरराज सिंह भाई साहब को मैंने सुना, उन्होंने एक बड़ा ये जो है मार्मिक प्रसंग जो सुनाया, वास्तविक में बड़ा विचलित हो गया, क्योंकि उस 2 अप्रैल यानी 30 मार्च को जो भूमिका पूरी बनी ग्वालियर में, तो मेरा भी छोटा सा पार्ट था उसमें। और जो दृश्य 2 तारीख को वाकई में देखे हमने, तो ये सुधीर भाई साहब तो काफी सीनियर है और काफी बुद्धिमान है, हम उनके सामने बहुत कम है, लेकिन वास्तविक है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो हम जीत भी नहीं पाएंगे, और अगर हमें जीतना है तो जुड़ना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जय भीम नमो जी जी। जब जय भीम नमो बुद्धाय, काम किया है और मैं हर मेरी चाहता हूँ कि लोग बढ़े और जीते और आगे बढ़े और हमें सब कुछ जो हासिल करना है वो प्राप्त हो। जय भीम नमो बुद्धाय, धन्यवाद जी सर। सर आपके साथी कोई और हैं आर के बोध जी, तो सर उनको बुला लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत साधुवाद, सब आ चुके हैं सर। चंडीगढ़ से भी साथी जुड़े हैं, उनको भी बुला लीजिए। ठीक है ठीक है सर। हेनरी आरके जी सर कौन है आपके, आप बताइए जरा। एक भारती जी है, भारती जी है, इन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है,
अपना माइक अनम्यूट कीजिए और अपना परिचय दीजिए वीडियो ऑन करते हुए। भारती जी का भी मनीषा निगम जी फोन नंबर भी मांग रही थी चैट बॉक्स में। हाँ तो भारती जी आप अपना जो है वो नंबर है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए और अपना जो परिचय है वो दे दीजिए। इसके अलावा और भी कोई साथी जो है, कोई साथी जो रह गए हैं जिनका परिचय नहीं हुआ है, विशेष रूप से जो दिल्ली राजस्थान और हरियाणा से ऐसे साथी जो पहली बार जुड़े हैं और जिनका परिचय नहीं हुआ हो तो वो अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को बुलाया जा सके। मोंटी मेहरा जी का हो गया था क्या? मोंटी मेहरा जी नहीं, मैं मोंटी मेहरा जी का नहीं हुआ। मोंटी मेहरा जी अभी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आप अपना परिचय दे दीजिए। दिनेश दहिया जी का मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज में दिया हुआ उन्होंने, उनका परिचय नहीं हुआ। दिनेश दहिया, दिनेश जी दीजिए। दिनेश दहिया जी बोलिए सर। सभी सम्मान्य साथियों को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। सर मैं गली हरियाणा से हूँ और फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्टडी कर रहा हूँ और मैं काफी टाइम से मिशन मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूँ और हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन में काफी लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ और हरियाणा में, पूरे हरियाणा में हम काफी लंबे समय से इस मिशन में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे इस मीटिंग के बारे में है हमारे एक सम्मानित साथी हैं कुलदीप सिंह जी, उन्होंने अवगत करवाया था और हम हरियाणा में एक प्रतियोगिता करा रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर ज्ञान प्रतियोगिता, उसके माध्यम से हमारा उनके साथ कॉन्टेक्ट हुआ था। तो उन्होंने इसके बारे में हमें अवगत कराया था कि हमें एक मीटिंग ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम जो भी साथी, अगर हरियाणा से कोई भी साथी है तो हम एक 14 नवंबर को एक प्रतियोगिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और कोई भी साथी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हो तो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। तो हम इस मिशन मूवमेंट में आगे बढ़ाएंगे कि नहीं, हम तत्पर प्रयास रहते हैं और जो भी हमारा सहयोग बनता है समाज के लिए हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो मैं सम्मान्य साथियों को आज मैं मीटिंग में जुड़ा हूँ तो आगे भी जुड़ता रहूंगा क्योंकि टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, काफी सारी मीटिंग एक टाइम पे आ जाती है तो हर चीज हर मीटिंग में टाइम थोड़ा कम दिया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंगल जी नाम से कोई करके, मंगल जी। इसके अलावा पहले हैंड रेज किया हुआ है एक साथी और है, मुकेश कुमार जी हैंड रेज कर रखा है, कोई विशेष बात है तो बताइए मुकेश जी। और भी कोई साथी जो पंजाब, जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश से हो और जिनका परिचय नहीं हुआ हो तो जो है आप अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि हम आपको वन बाय वन बुला सकें। सचिन जी, सचिन जी अपना परिचय दीजिए। सचिन जी, सचिन जी जय भीम नमो बुद्धाय। सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। सर मैं दिल्ली से हूँ और मुझे डॉक्टर ब्रजमोहन अंकल जी ने जोड़ा था जी। मेरी बीए कंप्लीट हुई है इस मंथ और बस हम बाबा साहब का जो हमसे होता है हम ज्यादा से ज्यादा अपनी राय पहुंचाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसके अलावा एक और साथी हैं, मुकेश कुमार जी का हैंड डाउन हो गया है और मैं भाई साहब इसलिए हाथ उठा रहा था कि अगर मैं अपने साथियों को जोड़ूं तो जोड़ूं किस तरीके से जोड़ूंगा उसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी क्योंकि आज पहली बार जुड़ा हूं आप सभी लोगों के साथ। आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आप लिंक शेयर कीजिए ग्रुप में। मुकेश जी मैं बता दूंगा आपको, मुकेश जी मार के बहुत ठीक ठीक बता दूंगा आपको। कल कम से कम 10 लोगों को अपने साथ और जोड़ना है अपने साथ। बिल्कुल और भी कोई साथी जिनका परिचय नहीं हुआ हो? सर पश्चिम बंगाल से ब्रजनंदन प्रसाद बेंडे, पहले इनका नाम आ रहा था। ब्रजनंदन प्रसाद जी अगर आवाज सुन रहे हैं तो आइए सर। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं पश्चिम बंगाल बेंडे से हूँ, मैं रेलवे में कर्मचारी था, फिलहाल मैं
कुछ अपने समाज के लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। श्री चौधरी जी ने मुझे ये आपका प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये आप मैं अपने लोगों को कुछ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया, जुड़े रहिए सर। इसके अलावा लोकेश पोरवाल जी, लोकेश पोरवाल जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, अपना परिचय दीजिए। जी सर, जय भीम सर, सभी साथियों को जय भीम। मैं लोकेश पोरवाल राजस्थान भरतपुर से बात कर रहा हूँ सर। एक्चुअली में क्या है कि समाज में समाज सेवा के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ और बाबा साहब के विचारों का मैं पालन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ नया करूँ और समाज को जागरूक करूँ जो